चाहे सच्चाई जो भी थी, माही को लगा कि उसका वो बच्चा उसी का एक हिस्सा था और माही उस बच्चे से बेहद प्यार करने लगी थी। शुरू से लेकर अंत तक वो इस बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार करती रही। उन दिनों के दौरान जब माही युवराज से बात नहीं कर पाती थी, तब उसके पेट में पल रहा वो बच्चा ही माही की इकलौती कंपनी थी। माही उस बच्चे से बात किया करती थी, उसके लिए गाना गाया करती थी और कहानियां सुनाया करती थी। उस बच्चे के लिए माही के अंदर माँ की ममता जगने लगी और इस बच्चे के लिए कई सारे खूबसूरत इमोशंस उभरने लगे। मगर जब वो अपने इस खूबसूरत सपने से उठी तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी। जो बच्चा कल रात उसके पेट में पल रहा था, जिसकी डोर माही से बंधी हुई थी, वो एक ही पल में यूं ही अचानक गायब हो गया था। जब माही को हॉस्पिटल के मॉर्ग में ले जाया गया था, तब माही ने उस मरे हुए बच्चे के ठंडे शरीर को महसूस किया। वो पल माही की जिंदगी का एक ऐसा पल था जिसे माही कभी याद नहीं करना चाहती थी, और वो एक ऐसा एहसास था जो माही अपनी जिंदगी में फिर कभी महसूस नहीं करना चाहती थी। हालांकि इस फिल्म में सिर्फ 37 सीन्स थे, अगर माही को अपने इस कैरेक्टर में पूरी तरह से इमर्स होने की जरूरत पड़ी तो वो अपने उस एहसास को इस्तेमाल करते हुए एक परफेक्ट शॉट दे पाती, मगर उसने ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। माही खुद को उस दुख से, उस दर्द से बचाना चाहती थी जिसकी वजह से उसने अनकंट्रोलेबली अपने एक्टिंग स्किल्स को सप्रेस किया। विक्रम ओबेरॉय ने माही के फोरहेड पर उसे किस किया और उसने माही को और सोचने से रोकते हुए उससे कहा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें इस फिल्म में एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ शायद मुझे तुम्हारे लिए कोई बेहतर स्क्रिप्ट मिल जाए। विक्रम ओबेरॉय ने उदास लगते हुए मन ही मन में कहा, माही काश मैं तुमसे ये कह पाता कि वो बच्चा मरा नहीं था, और ये कि उस बच्चे का बाप मैं हूँ, कि जिस इंसान से तुम नफरत करती हो वो मैं हूँ, और जिस इंसान की वजह से तुमने इतने दुख झेले वो मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आज तुम्हारा हाल ऐसा हो गया है। विक्रम अपनी इस सोच में डूबा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माही से ये सब कैसे कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब माही को इसके बारे में पता चलेगा तो वो उसका सामना कैसे करेगा। वहीं दूसरी तरफ बर्मन रेजिडेंस में असली और नकली वारिस का टॉपिक अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। पिछले कुछ दिनों से रागिनी घर पर मिसेस बर्मन और यामिनी के कंपनी में ही रहने लगी थी। रागिनी बालकनी में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी और उसके चेहरे पर बहुत नाराजगी दिखाई दे रही थी। फोन पर उसने कहा, क्या कहा तुमने, उस हॉलीवुड फिल्म का रोल माही को मिल गया? फोन के दूसरी तरफ से प्रीति की आवाज सुनाई दी और उसने जवाब देते हुए रागिनी से कहा, हाँ रागिनी, मैंने सुना कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और वो कल से क्रू ज्वाइन करने वाली है। जब रागिनी ने यह सुना तो उसने परेशान लगते हुए कहा, वो चुड़ैल, उसकी इतनी हिम्मत। जब रागिनी ने सोचा कि इस रोल को पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, मगर वो रोल इतनी आसानी से माही को मिल गया, तो उसका मन बहुत परेशान होने लगा। रागिनी ने फिर मन ही मन में कहा, अगर वो चुड़ैल माही नहीं होती तो गोल्डन फिल्म अवार्ड, मूवी क्वीन का खिताब और हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होता। फिर रागिनी ने इरिटेटेड लगते हुए कहा, तो क्या हुआ, वो तो सिर्फ कोई कैमियो रोल था जो मैंने छोड़ दिया, और वो रोल तो मैं करना भी नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ एक 3 मिनट का सीन था जहां सिर्फ 2 लाइंस के डायलॉग बोलने की जरूरत थी, इसमें भला वो इतनी खुश क्यों हो रही है। ऐसा बोलते हुए रागिनी ये बात भूल रही थी कि जब उस हॉलीवुड फिल्म में रागिनी को साइन किया जा रहा था तो वो हर जगह इस बात का ढिंढोरा पीट रही थी जैसे कि वो हॉलीवुड की क्वीन बन चुकी थी। रागिनी की कही ये बात सुनकर प्रीति ने जवाब देते हुए उससे कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, माही को तो सिर्फ तुम्हारी भीख ही मिल सकती है। मैंने तो ये भी सुना है कि हाल ही में वो डायरेक्टर रोहन धवन की नई फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई थी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी थी और ये बात पक्की है कि उसे जरूर एलिमिनेट किया जाएगा, और तब मैं ये खबर फैला दूंगी, इससे माही की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। आजकल प्रीति रागिनी को खुश करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्लान्स बनाने लगी थी। ये बात जाहिर थी कि प्रीति की कही ये बात सुनकर रागिनी का मूड तुरंत बेहतर हो गया और उसने जवाब देते हुए फोन पर प्रीति से कहा, ऑडिशन के रिजल्ट्स पर ध्यान देना। प्रीति ने रागिनी से कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो तो मैं जरूर करूंगी। प्रीति ने गारंटी देते हुए इस मौके का फायदा उठाया और फिर रागिनी से पूछा, और हाँ रागिनी, पिछली बार जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है, मैं स्टारलाइट कब छोड़ सकती हूँ? इस वक्त स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में प्रीति का स्टेटस काफी खराब हो चुका था, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने का मतलब ये था कि उसे आमतौर पर अनुषा और माही का सामना करना पड़ता था। ऐसे में वहां रहने की वजह से वो काफी एंबैरस्ड महसूस करती थी, और इसीलिए वो चाहती थी कि रागिनी सिन्हा इंटरनेशनल के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में उसकी कोई जॉब लगवा दे। प्रीति की कही ये बात सुनकर रागिनी ने जवाब देते हुए उससे कहा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इस वक्त तो मैं खुद ही घर पर बैठी हूँ, तो भला मैं तुम्हें वहां कैसे जॉब दिलवा सकती हूँ? रागिनी ने फिर इरिटेटेड लगते हुए उससे कहा, पहले तो तुम माही पर नजर रखने में मेरी मदद करो, नहीं तो हम दोनों में से किसी का काम नहीं होगा। रागिनी की कही ये बात सुनकर प्रीति समझ गई कि रागिनी प्रीति का इस्तेमाल अच्छी तरह से करेगी जब तक कि वो उसे पूरी तरह से निचोड़ नहीं लेती। मगर अब प्रीति के पास और कोई चारा नहीं था और उसने जवाब में कहा, ठीक है रागिनी, मैं समझ गई।
प्रीति से बात करने के बाद रागिनी ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट का किट निकाला और वो अपने बाथरूम के अंदर गई। कुछ देर के बाद रागिनी उदास लगते हुए बाहर निकली और उसने मन ही मन में कहा, डैम इट, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इसका रिजल्ट फिर से नेगेटिव आया है। आजकल तो युवराज भी घर पर बहुत कम रहने लगा है। मुझे तो ये लगता है कि वो जानबूझकर मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। मम्मी जी भी दिन ब दिन मेरे साथ बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है। मगर सबसे ज्यादा डर तो मुझे पापा की कही बात से लग रहा है। पिछली बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने बातों ही बातों में मुझसे कहा कि अगर मेरा कोई छोटा भाई होता तो उन्हें बेहद खुशी होती। उस तरह से कम वो मेरी मदद कर पाता और मुझे सपोर्ट कर पाता। व्हाट अ जोक। भला मुझे किस तरह का सपोर्ट चाहिए? अगर मेरा वाकई में कोई भाई होता या फिर अगर पापा का वाकई में एक बेटा होता तो भला सिन्हा परिवार में मेरी क्या जगह होती? ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होता कि शायद मुझे सिन्हा इंटरनेशनल के शेयर्स भी नहीं मिलते। पापा मम्मी से बहुत ज्यादा डरते हैं और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि वो किसी और औरत के साथ अफेयर करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो भला उनके मन में अचानक ऐसे ख्याल कहां से आए? या फिर मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। देखते ही देखते दिन पूरा हुआ और अगले दिन माही का अपने क्रू से मिलने का वक्त आ गया। फिल्म थंडरबोल्ट सीक्रेट सर्विस स्क्वाड का जो सीन इंडिया में शूट होने वाला था वो मुंबई शहर के फिल्म सिटी में शूट होने वाला था। इसके साथ ही साथ वो देश के बेहद खूबसूरत हिस्सों को भी किसी पेंटिंग की तरह अपनी फिल्म में दिखाने वाले थे। क्योंकि इस फिल्म का प्रमोशन इफेक्ट काफी बड़ा था तो इसीलिए जहां उनकी शूटिंग होने वाली थी उसके सीनिक एरिया को क्रू के शूटिंग पर्पस के लिए सील किया गया था और जिस होटल में सारे आर्टिस्ट रुकने वाले थे वो भी कॉम्प्लीमेंट्री था। उस होटल के एक रूम में सेजल ने एक्साइटेडली खिड़की खोलते हुए कहा, वाओ, यहां का व्यू तो वाकई में बहुत अच्छा है। अगर इस वक्त हॉलीडे का पीक सीजन होता तो इस होटल के सारे कमरों को लोग एडवांस में ही बुक कर लेते। मगर हम कितने लकी हैं कि हम यहाँ पर प्राइवेसी के साथ साथ इतना खूबसूरत सीन और नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। खिड़की से सेजल हरियाली और ठंडी हवा एंजॉय कर रही थी। पास से ही वाटरफॉल्स की आवाज भी सुनाई दे रही थी और उसके पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। ये देखकर सेजल ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए माही से कहा, माही ब्रो, काश तुम हमेशा अपना शॉट एक टेक में ही पूरा नहीं करती तो कितना अच्छा होता। उस तरह से कम इस होटल में हम कुछ दिनों तक तो एंजॉय कर पाते। माही बालकनी पर बैठी हुई थी और सेजल की कही बात सुनते हुए उसने अपने पैर रेलिंग पर चढ़ा दिए और उसने हंसते हुए सेजल से कहा, आई एम सॉरी डियर, इस बार शायद मुझे तुम्हें निराश करना ही होगा। माही के चेहरे की खूबसूरती और उस पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर सेजल काफी एक्साइटेड लगने लगी और उसने तुरंत इस खूबसूरत सिनेरियो की तस्वीर खींच ली। फिर सेजल ने एक्साइटेडली उस पिक्चर को माही को दिखाते हुए पूछा, माही ब्रो, क्या मैं प्लीज इस पिक्चर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकती हूँ? माही ने उस पिक्चर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने जवाब देते हुए सेजल से कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। माही का इस फिल्म में काम करना ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था और इसीलिए उसे अपने फैंस के साथ अपनी इस जर्नी को शेयर करने में कोई एतराज नहीं था। सेजल ने तुरंत काफी एक्साइटेड लगते हुए इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर अपलोड की और उस पर स्टेटस लिखा, ऐसा लग रहा है कि मैं माही ब्रो के साथ हनीमून पर आई हूँ। उस पिक्चर का बैकग्राउंड खिड़की के बाहर दिखने वाली एक खूबसूरत सीनरी थी। सनसेट के ग्लो के आगे माही अपने पैर स्ट्रेच किए बैठी हुई थी। वो पिक्चर इतनी क्लियरली क्लिक की गई थी कि उसमें माही का फिगर बेहद खूबसूरती से दिख रहा था। खास करके उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंट स्माइल दिखाई दे रही थी वो देखकर लोग अलग ही दुनिया में पहुंच रहे थे। ये पिक्चर माही के दोनों मेल और फीमेल फैंस के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। जैसे ही सेजल ने इंस्टाग्राम पर पिक्चर पोस्ट की तो सिर्फ थोड़ी ही देर में कई सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के नोटिफिकेशन आने लगे और देखते ही देखते ये बात हॉट टॉपिक पर भी पहुंच गई। माही के फैंस को इतनी जलन हो रही थी कि वो सेजल की जान लेना चाहते थे। लोगों का उस पिक्चर पर लाइक्स और कमेंट करने के अलावा कई सारे लोगों ने यह भी देखा कि माही थंडरबोल्ट सीक्रेट सर्विस स्क्वाड की शूटिंग वेन्यू पर थी और ये देखकर वो लोग और ज्यादा एक्साइटेड लगने लगे और उन्होंने कमेंट में लिखा, जब से मैंने माही की फिल्म ये दुनिया देखी है तब से मैं माही ब्रो का फैन हूँ। मेरी माही ब्रो तो दिन ब दिन ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है और अब तो वो कोलन जैसे डायरेक्टर के साथ भी काम कर रही है। ये तो वाकई में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। ऑरलैंडो, बेनी और जेनिफर जैसे सुपर इंटरनेशनल बिग शॉट्स इस फिल्म का हिस्सा है और अब मेरी माही ब्रो भी। माही ब्रो तो वाकई में कमाल है। एक्साइटिंग कमेंट्स के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी नाराजगी जताने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने कमेंट करते हुए कहा, सच में, भला मैं माही के बारे में क्या बोलूं? वो तो सिर्फ वहां पर एक छोटा सा रोल प्ले कर रही है ना, तो भला तुम लोग उसके लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि उसे हॉलीवुड फिल्म में कोई इंपॉर्टेंट रोल मिल गया है। बाद में तुम लोग खुद ही देख लेना, जब ये मूवी थिएटर में रिलीज होगी तब तुम लोग सच में बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे। एक दूसरे देश के आर्टिस्ट को कैमियो रोल मिलने का मतलब ये है कि उसका सीन सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही कट कर दिया जाएगा। माही तो शुरू से ही कैमियो जैसे रोल्स ही प्ले कर रही है, अब तो वो अपने कैमियो का सिलसिला हॉलीवुड में भी कंटिन्यू कर रही है। इंडस्ट्री छोटे वक्त रागिनी ने ये रोल छोड़ दिया था और माही कैसी वारिस है, वो तो रागिनी के उतरन के पीछे पड़ी है। ऐसे कमेंट पढ़कर माही के फैंस लड़ाई पर उतर आए और उन्होंने कमेंट करते हुए कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। रागिनी ने इतना कुछ कर लिया मगर तुम लोग अभी भी उसके नाम का जाप कर रहे हो। बात यह नहीं है कि रागिनी ने इंडस्ट्री छोड़ दी है, बात यह है कि रागिनी को इंडस्ट्री से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं
कि रागिनी ने बहुत सारे पैसे खिलाकर एक कैमियो रोल को अपने नाम किया था, मगर फिर भी तुम लोग बिना कुछ जाने इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे तो तुम लोगों की सोच पर अफसोस हो रहा है, बल्कि मुझे तो अफसोस उस बेशरम इंसान पर हो रहा है जिसने किसी और का सब कुछ पाने के लिए इतना कुछ गलत किया। आज भी रागिनी का छोटा सा दिमाग यही मानता है कि वो किसी बड़े परिवार की शहजादी है, और जरा हमारी माही ब्रो को तो देखो, वो किसी परिवार की शहजादी बनना ही नहीं चाहती और उसे इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये बात अच्छी थी कि माही के फैंस की डिबेटिंग स्किल्स काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सामने वाली पार्टी को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। अगर कोई पूछे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैंस किसके थे, तो कबीर ओबेरॉय के बाद लोग माही का नाम ही लेते। यहां तक कि कई सारे लोग प्राइवेटली ये भी सोचते थे कि अगर किसी दिन कबीर ओबेरॉय और माही के फैंस आपस में लड़ाई करने लगे तब किसकी जीत होगी। अच्छी तरह से आराम करने के बाद और होटल के कमरे में खुद को ऑर्गेनाइज करने के बाद अगली सुबह माही पंक्चुअली क्रू के पास शूटिंग वेन्यू पर गई। उस सीन पर करीब 50 लोग थे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और वहां का माहौल काफी टेंस लग रहा था क्योंकि वहां पर एक गन बैटल के सीन की शूटिंग चल रही थी। इस सीन की शूटिंग पूरी तरह से गन बैटल पर थी, मगर इस सीन में माही का कोई पार्ट नहीं था। उसके कैरेक्टर के सिर्फ 2 सीन थे और उन दोनों सीन में माही की फाइटिंग स्किल्स का डिस्प्ले होने वाला था। इस फिल्म के 4 मेन कैरेक्टर थे, जिनमें से 3 आदमी थे और एक औरत थी, कैरलिन, ऑरलैंडो, बेनी और जेनिफर, जो कि हॉलीवुड के वेल नोन बिग शॉट्स थे। माही इस फिल्म के विलेन गैंग की एक सबॉर्डिनेट का रोल प्ले करने वाली थी। रही बात पूरी फिल्म के प्लॉट लाइन की, तो वो कहानी कुछ हीरोज की थी जो हाथ मिलाकर दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़े थे। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी का मेन हाइलाइट उसके स्पेशल इफेक्ट्स और सेट माना जाया करता था। गन बैटल सीन की शूटिंग बहुत जल्द खत्म हुई और डायरेक्टर ने सीन के कट को अनाउंस किया। फिर अगले ही पल उसने दूसरी खड़ी एक इंडियन लड़की को देखा और उसने चमकती हुई आंखों से चिल्लाकर उसे पुकारा, हाय माही। माही डायरेक्टर के पास गई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर डायरेक्टर के साथ शेक हैंड करते हुए कहा, हेलो डायरेक्टर मार्टिन। डायरेक्टर मार्टिन ने एक्साइटेडली माही को हक करते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए उससे कहा, ओह माही, यू आर इवन प्रीटियर देन आई इमेजिन्ड, यू प्रैक्टिकली लुक लाइक अ ब्यूटीफुल सेरामिक डॉल। माही ने कुछ देर तक डायरेक्टर से बात की और उसने डायरेक्टर के किसी भी बात को दिल से नहीं लगाया। After all, एक लंबे अरसे तक फाउंडर्स के बीच वक्त बिताने के बाद माही उनके नेचर और हैबिचुअली एक्साइटेड बिहेवियर को अच्छे तरह से समझने लगी थी। देखते ही देखते बाकी सारे लीड एक्टर्स भी एक एक करके माही से बात करने जाने लगे। कोलन अमेरिका के खूबसूरत लड़कों के अर्लीस्ट जनरेशन को बिलोंग किया करता था। उसकी तुलना उन मेल आइडल से की जाती थी जिन्हें इंडिया और बाकी देशों में भी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी, मगर कोलन अब ऑलरेडी 40 ईयर्स का हो चुका था। उसने फिल्म इंडस्ट्री में कई साल बिताए और अब उसके अंदर एक तरह का मैनली चार्म भरा हुआ था। दुनिया भर में उसके सारे फैंस उसे किसी प्रिंस चार्मिंग जैसा ट्रीट किया करते थे। डैनी भी काफी हैंडसम था, उसकी वजह से हॉलीवुड में बॉल्ड मैन ऑफ स्टील की इमेज बनी रही। और रही बात जेनिफर की, तो वो एक खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी की बेहतरीन कॉम्बिनेशन थी और उसके बाल ब्लॉन्ड कलर के थे। वो पूरी फिल्म की इकलौती फीमेल लीड थी। तभी अचानक ऑरलैंडो ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए माही की तरफ देखकर उससे कहा, हाय, माय नेम इज ऑरलैंडो, वेरी हैप्पी टू मीट यू, माय लिटिल बेल। ऑरलैंडो को लोग द एल्फ के नाम से पुकारते थे। उसके ब्लॉन्ड बाल थे और ब्लू कलर की आंखें थी। उसे सिर्फ एक नजर देखते ही लोग समझ जाते थे कि वो कई सारी लड़कियों के दिल की धड़कन था। इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि ऑरलैंडो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा था या फिर सच में ऐसा बर्ताव कर रहा था, मगर जिस तरह से उसने माही को गले लगाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो माही के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने इस बात को ऑब्वियस नहीं किया। जो लोग ऑरलैंडो के बारे में अच्छी तरह से जानते थे वो ये बात जानते थे कि वो इंडियन औरतों में काफी इंटरेस्ट दिखाया करता था, यहां तक कि उसकी पिछली कुछ गर्लफ्रेंड्स भी इंडियन ही थी। माही ने जवाब देते हुए ऑरलैंडो की तरफ देखकर उसे कहा, नाइस टू मीट यू टू, यू आर वेरी पॉपुलर अमंग द गर्ल्स इन इंडिया। ऑरलैंडो ने सरप्राइज लगते हुए माही से पूछा, ओह रियली? क्योंकि माही की पढ़ाई लॉस एंजलिस में हुई थी, तो इसीलिए उसकी इंग्लिश काफी फ्लुएंट थी और उसके दूसरे एक्सेंट में इंटरेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सबके साथ कुछ देर तक बात करने के बाद माही अपने कपड़े बदलने और मेकअप लगाने के लिए चली गई। अपनी कन्वीनियंस के लिए माही वहां एक सिंपल व्हाइट कलर की टी शर्ट और जीन्स पहनकर गई थी। मूवी में उसका सिर्फ एक ही आउटफिट था। इस फिल्म में माही को एक सलवार कमीज पहननी थी ताकि वो इंडियन कल्चर को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर सके। माही ड्रेसिंग रूम के अंदर चेंज करने चली गई। वहीं दूसरी तरफ बाहर मौजूद लोग जोरों शोरों से अपना काम पूरा करने में लगे हुए थे और अगले सीन की सेटिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। क्योंकि डायरेक्टर कुछ मेन लीड के साथ डिस्कस करने में बिजी थे, तो इसीलिए उन्होंने कैजुअली एक क्रू मेंबर से कहा कि माही के मेकअप के बाद वो अपने सीन के लिए तैयार रहे। जब माही अपने कपड़े बदलकर बाहर निकली तो वो सीधे किसी हट जैसी जगह पर गई जहां उनकी शूटिंग होने वाली थी। उस सीन का प्लॉट कुछ ऐसा था कि कुछ लीड्स मास्टर से मिलने आने वाले थे और माही का काम उन्हें रिसीव करना था। माही उस हट के बेडरूम में इंतजार करने लगी और फिर किसी ने फाइनली अनाउंस करते हुए कहा कि वो शूटिंग शुरू करने वाले हैं।
माही ने डायरेक्टर मार्टिन की आवाज सुनी। एक्शन। किसी पुराने हट के बाहर, जिसका माहौल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, वहां ऑलैंडो, डेनी और जेनिफर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हाई अलर्ट पर थे और वो हट के करीब जाने लगे। हट का दरवाजा धीरे से खोला गया और एक लड़की के गोरे हाथ दिखाई दिए। फिर वो इंडियन लड़की डार्क कलर के प्रिंट की सलवार कमीज पहनी ऑडियंस के सामने बाहर निकली। सलवार कमीज में वो औरत उस इंसान से बिल्कुल अलग लग रही थी जो कुछ देर पहले टी शर्ट और जींस पहनकर उनके सामने खड़ी थी। सलवार कमीज में उस लड़की के परफेक्ट फिजिक की आउटलाइन दिखाई दे रही थी। उसका मेकअप बिल्कुल ऑन पॉइंट था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक क्लासिक ब्यूटी थी और उसकी खूबसूरती किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। उसके काले घने बाल एक वुडन हेयर पिन की मदद से बंधे हुए थे और उसके फेशियल फीचर्स बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसके होंठ पिंक कलर के थे और वो पूरी तरह से किसी वर्क ऑफ आर्ट जैसी लग रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा के झोंके की वजह से माही के बाल लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि माही के काले घने बाल किसी झरने के पानी की तरह बह रहे थे। बाहर खड़े लोगों की तरफ देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी अलर्टनेस दिखाई दे रही थी और उसने उन लोगों की तरफ देखकर पूछा, Who are you people? जब ऑलैंडो ने अपने सामने खड़ी उस इंडियन ब्यूटी की खूबसूरती देखी तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। इस पॉइंट पर वो माही की खूबसूरती में पूरी तरह से डूब चुका था। सिर्फ ऑलैंडो ही नहीं बल्कि वहां मौजूद बाकी तीन लीड एक्टर्स की आंखों में भी अमेजमेंट झलक रही थी। डायरेक्टर ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की कि माही अपना आउटफिट बदलकर इतना बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगी, इसलिए उन्होंने अपने लीड एक्टर्स के बुरे टेक को माफ किया। शूटिंग दोबारा शुरू हुई और माही ने उन चारों लोगों को रिसीव करने के लिए दरवाजा खोला। फिर माही ने उन्हें चाय सर्व की और अपने मास्टर के लौटने तक के लिए उन लोगों से इंतजार करने के लिए कहा। डायरेक्टर मार्टिन इंडियन कल्चर की पूरी जानकारी लेकर आए थे और जिस तरह माही चाय बना रही थी वो वाकई में प्रोफेशनल लग रहा था। हालांकि दिखने में ये सीन काफी कॉमन था मगर माही का चाय बनाना और उसे सर्व करने के मूवमेंट्स काफी आर्टिस्टिक और क्लासिकल लग रहे थे, जिसे देखकर वेस्टर्न और इंडियन कल्चर के क्लैश का डेमोंस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था। डायरेक्टर मार्टिन इसी बात की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि सीन काफी लंबे समय तक खींच रहा था मगर डायरेक्टर मार्टिन ने इस सीन को कट करने का अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं किया बल्कि उन्होंने कैमरामैन को कंटिन्यू करने के लिए कहा और वो इस फुटेज के किसी सीन को एडिट नहीं करने वाले थे। सीन के खत्म होने के बाद डायरेक्टर माही की तरफ काफी एक्साइटेड लगते हुए गए और उन्होंने माही से कहा, माही यू आर डूइंग रियली ग्रेट। डायरेक्टर ने माही को गले लगाया और उसकी तारीफ इस बार कुछ ज्यादा ही जेन्युइन लग रही थी। डायरेक्टर मार्टिन ने फिर माही की तरफ देखकर उसे पूछा, हैव यू लर्नड हाउ टू प्रिपेयर टी बिफोर? जब माही ने देखा कि मार्टिन जैसे इंटरनेशनल डायरेक्टर ने माही के टैलेंट को नोटिस किया तो उसने जवाब देते हुए डायरेक्टर से कहा, नॉट रियली, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट इट। आई अंडरस्टैंड इट इज एक्सेप्टेबल इनफ टू बी ऑन कैमरा ओनली, आई सपोज। डायरेक्टर मार्टिन ने फिर एक्साइटेडली जवाब देते हुए माही से कहा, नॉट एट ऑल, आई थिंक यू आर मच बेटर देन मेनी प्रोफेशनल्स, यू आर रियली स्किलफुल। डायरेक्टर मार्टिन माही की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगे और उन्होंने मन ही मन में कहा, आई हैड इंटेंडेड फॉर एन इंडियन एक्ट्रेस जस्ट टू बूस्ट द सेल्स ऑफ द मूवी इन इंडिया, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस गर्ल टू बी दिस स्पेक्टेकुलर, वुड 3 मिनट्स बी टू लिटिल टू फीचर हर? उस सीन की शूटिंग स्मूथली पूरी हो गई और अब अगली सीन की बारी आ गई। माही के सिर्फ दो ही सीन्स थे, अगर सब अच्छे से पूरा हो जाए तो वो कल तक वहां से जा सकती थी। अगला सीन माही और ऑलैंडो के बीच का एक फाइटिंग सीन था। डायरेक्टर मार्टिन ने एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट डायरेक्टर को इस सीन की कोरियोग्राफी करने के लिए हायर किया था। पिछले कुछ वक्त से शायद ऑलैंडो मार्शल आर्ट डायरेक्टर के साथ ट्रेनिंग करने लगा था, जिसकी वजह से अब वो काफी इजीली अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर पा रहा था। मगर माही के लिए ये काम काफी आसान था और उसने अपने मूवमेंट बहुत जल्दी पिकअप कर लिए। जब माही और ऑलैंडो रिहर्स कर रहे थे तो उन्होंने स्लो मूवमेंट के साथ शुरुआत की मगर जल्द ही वो काफी फास्ट मूवमेंट करने लगे क्योंकि वो अपने स्टेप्स के साथ फेमिलियर होने लगे थे। जब ऑलैंडो ने माही को उसके फाइटिंग आउटफिट में देखा तो उसका एटीट्यूड माही के प्रति बदल गया। वो हर एक स्टेप करते वक्त माही के प्रति काफी जेंटल और पेशेंट था, जैसे कि उसे इस बात का डर था कि कहीं वो माही को गलती से चोट ना पहुंचा दे। जब माही ने ऑलैंडो का ऐसा बर्ताव देखा तो वो उसके ऐसे एटीट्यूड से थोड़ी सी इरिटेटेड होने लगी। आफ्टरऑल क्योंकि माही इन मामलों में काफी एक्सपीरियंस थी तो इसीलिए वो समझ गई कि ऑलैंडो क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन में कहा, कहीं ये आदमी मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना? मैंने सुना है कि ऑलैंडो को इंडियन लड़कियां बहुत पसंद है। लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है, मगर इसके बावजूद भी ऑलैंडो वाकई में एक जेंटलमैन है। हालांकि वो एक्टिंग के नाम से मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है मगर वो मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल कराने या फिर अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं कर रहा। तभी अचानक डायरेक्टर मार्टिन ने सबको इन्फॉर्म करते हुए कहा, ऑलराइट एवरीवन इन पोजीशन, वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सीन। ऑलैंडो ने माही की तरफ देखकर प्यार से उसे कहा, डोंट वरी माही, वी कैन स्लो डाउन द टेम्पो लेटर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू फॉलो।
माही ने ओबीडियंटली अपना सर हिलाकर जवाब देते हुए कहा, थैंक यू ऑलैंडो सर। जब ऑलैंडो ने माही का हम्बल जवाब सुना तो वो खुशी से मुस्कुराने लगा। डायरेक्टर मार्टिन ने अनाउंस करते हुए कहा, एक्शन। शूटिंग शुरू हुई। ऑलैंडो एक जंगल में माही का सामना कर रहा था। इस सीन में यह दिखाया जा रहा था कि ऑलैंडो किसी खजाने का मैप चोरी करके भाग रहा था और माही उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही डायरेक्टर मार्टिन ने अपना क्लैप बोर्ड स्नैप किया तो जो माही अब तक जेंटल लुकिंग क्लासिकल ब्यूटी जैसा बर्ताव कर रही थी वो अचानक एक अलग इंसान बन गई। वो ऑलैंडो के ऊपर टूट पड़ी और उसने उसे एक डिटरमिन्ड एटीट्यूड के साथ स्ट्रांगली किक किया। माही अपना सलवार कमीज पहने काफी स्विफ्टली ऑलैंडो को अटैक किए जा रही थी। प्रैक्टिस करने के दौरान वो दोनों मूवमेंट्स के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। ऑलैंडो को लगा कि पहले टेक में वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेगा, तो इसीलिए उसने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की कि शूटिंग के दौरान माही के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। इस वक्त माही किसी चलती फिरती किलिंग मशीन जैसी बन गई थी। ऑलैंडो के रिएक्शन का इंतजार किए बिना माही उसे और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अटैक करती रही और ऐसे में वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही थी। इंस्टेड इस वक्त वो ऑलैंडो के सामने काफी टेरिफाइंग लग रही थी। फाइनली लास्ट मूवमेंट में माही ऑलैंडो के ऊपर खड़ी हो गई और उसने ऑलैंडो के हाथ से खजाने का मैप वापस ले लिया और उसकी तरफ गुस्से में देखती रही। ऑलैंडो सूखे पत्तों के ऊपर लेटा हुआ था और वो काफी चार्म लगते हुए माही के टेरिफाइंग एक्सप्रेशन को देख रहा था। फिर उसने माही से कहा, ओ बेबी, आई एम हेड ओवर हील्स फॉर यू। ऑलैंडो की कही ये बात सुनकर माही दंग रह गई और उसने मन ही मन में कहा, ये लाइन तो स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी इंडियन लड़कियों को पसंद करता है, बल्कि ये तो एक ऐसा इंसान लगता है जो पेन एंजॉय करता है। डायरेक्टर ने कुछ देर के बाद कहा, गुड टेक। डायरेक्टर मार्टिन की कही ये बात सुनकर सिर्फ ऑलैंडो ही नहीं बल्कि माही भी हैरान लगने लगी और माही ने मन ही मन में कहा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? क्या डायरेक्टर मार्टिन ने सच में टेक टू कहने की जगह गुड टेक कह दिया? व्हाटएवर, शायद डायरेक्टर मार्टिन को लगा कि ऑलैंडो की ये लाइन काफी थी। ये तो हमारे लिए ही अच्छा है कि हमने इस सीन को पास कर लिया। माही ने तुरंत ऑलैंडो के ऊपर से अपना पैर हटाया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी मिस्टर ऑलैंडो, डिड आई हर्ट यू एनीवेयर? ऑलैंडो को देखकर ऐसा लगा जैसे कि कोई प्रिंसेस उसके सामने खड़ी थी। फिर उसने तुरंत माही का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, ऑफ कोर्स नॉट माय डियर, यू आर टू जेंटल, यू शुड बी रफर, लेट मी फील द पेन। ऑलैंडो की कही ये बात सुनकर माही ने मन ही मन में कहा, आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? भला इसने ऐसा क्यों कहा कि ये पेन फील करना चाहता है? क्या ये सच में पेन एंजॉय करने वाला आदमी है? माही ने फिर ऑलैंडो की तरफ देखकर उससे कहा, दैट्स ग्रेट देन, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू हैव वर्क विद यू, आई होप देयर विल बी चांसेस ऑफ अस बीइंग इन अ सिमिलर सीन अगेन इन द फ्यूचर। इतना कहने के बाद माही बाकी एक्ट्रेस और क्रू मेंबर्स को थैंक यू बोलने चली गई। इसके बाद माही का काम पूरा हो गया था। सेजल, जो कि अब तक अपनी माही ब्रो के कूल सीन को देखकर कहीं खो गई, वो अब अपने होश में वापस लौटी और उसे इस बात का एहसास हुआ कि माही का काम पूरा हो चुका था। सेजल ने मन ही मन में कहा, अनुषा जी ने तो कहा था कि अगर सब ठीक हो जाए तो कुछ दिनों में हमारा काम पूरा हो जाएगा, मगर लगता है कि सब ठीक से नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह से हो गया। माही ब्रो ने तो सिर्फ एक ही दिन में अपना काम पूरा कर लिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। ना ही सिर्फ यहाँ का व्यू अच्छा है बल्कि यहाँ तो कई सारे हॉट लड़के भी हैं। ऑलैंडो को लोगों ने बिल्कुल सही नाम दिया है, द एल्फ। वो वाकई में बेहद चार्मिंग और करिश्मेटिक लगते हैं। जब ऑलैंडो ने देखा कि माही सबको अलविदा कह रही थी तो वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो डायरेक्टर मार्टिन के पास गया और उनसे कहा, ओ माय डियर डायरेक्टर, आई मेड अ मिस्टेक जस्ट नाउ, डिडंट आई? ऑलैंडो ने फिर मन ही मन में कहा, आई होप यू लेट मी रीडू दिस सीन अगेन। इस पॉइंट पर डायरेक्टर मार्टिन किसी सोच में सीरियसली डूबे हुए लग रहे थे और उन्होंने अपना हाथ वेव करते हुए कहा, ऑलैंडो, दैट सीन हैज बीन फास्ट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। फिर डायरेक्टर मार्टिन फुटेज देखने के लिए कैमरा के पास गए और ऑलैंडो डायरेक्टर की तरफ गुस्से में देखता रहा। सारे स्टाफ मेंबर्स और एक्टर्स को अलविदा कहने के बाद माही फाइनली डायरेक्टर के पास गई और उसने डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर मार्टिन, आई एम ऑनर्ड टू हैव वर्क विद यू, ऑलबियट इट बीइंग अ शॉर्ट टाइम, आई कैन से दैट आई हैव लर्नड अ लॉट। माही ने फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड फॉर मी, आई विल बी लीविंग टुमारो। जो एकोमोडेशन माही को मिली थी वो बिल्कुल फ्री थी और क्योंकि वो एक पब्लिक रिजर्व माना जाता था तो इसीलिए उसे लगा कि अपना काम पूरा होने के बाद उसका वहां रहना ठीक नहीं लगता। डायरेक्टर मार्टिन ने फुटेज देखने के बाद माही की तरफ देखकर सीरियसली उससे कहा, माही डियर, आई हैव रिक्वेस्ट, योर एक्टिंग टुडे इज रियली गुड, देयर इज नो इशू एट ऑल, बट आई होप यू कैन स्टे फॉर अ फ्यू मोर डेज, 3 days, नो 2 days, इज दैट ओके? माही ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और उसने मन ही मन में कहा, शायद डायरेक्टर मार्टिन चाहते हैं कि मैं इनकी फिल्म के किसी और सीन का भी हिस्सा रहूं, जैसे कि अगर वो स्क्रिप्ट को बदलना चाहे तो शायद मेरा रोल इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि डायरेक्टर मार्टिन ने पर्सनली माही से रिक्वेस्ट की और इस वक्त माही के पास कुछ फ्री टाइम था तो इसीलिए उसने मना नहीं किया और उसने हामी भरते हुए डायरेक्टर से कहा, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स आई विल बी एट द होटल, जस्ट कॉन्टेक्ट मी व्हेनेवर यू नीड मी।
माही की कही ये बात सुनकर डायरेक्टर मार्टिन ने चैन की एक सांस ली और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू वेरी मच डियर माही। पैकअप होने के बाद डायरेक्टर मार्टिन ने स्क्रिप्ट राइटर की तरफ देखकर उसे कहा, चार्ल्स प्लीज कम टू माय रूम आफ्टर यू आर डन हियर, ब्रिंग द स्क्रिप्ट अलोंग विद यू। चार्ल्स जो कि उस वक्त स्मोक कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले ही समझ गया कि डायरेक्टर उससे मिलना चाहेगा, तो इसलिए उसने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। होटल रूम के अंदर मार्टिन काफी बेचैन लगते हुए आगे पीछे चल रहा था। जैसे ही चार्ल्स रूम के अंदर आया, डायरेक्टर मार्टिन ने सीधे पॉइंट की बात करते हुए उससे पूछा, बड़ी आई वॉन्ट टू एड सम सीन्स फॉर माही, व्हाट यू थिंक? मार्टिन की कही ये बात सुनकर चार्ल्स ने उसे हाई फाइव देते हुए उससे कहा, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। मार्टिन ने एक्साइटेडली अपने आइडिया को शेयर करते हुए उससे कहा, वन एक्शन सीन इज टू लिटिल, माही मूव्स रियली वेल एंड एड्स टू द इफेक्ट। चार्ल्स ने इसके बारे में थोड़ी देर तक सोचा और फिर उसने इंटरप्ट करते हुए मार्टिन से कहा, बट बड़ी रिमेंबर दैट इफ यू ऐड टू मेनी सेम समथिंग और गिव एंड यू विल हैव टू कट सम अदर्स आउट। मूवीज में टाइमिंग को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, सिर्फ एक ही सीन के लिए बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, तो इसीलिए हर एक सेकंड काफी प्रेशियस माना जाता था। डायरेक्टर मार्टिन इसी वजह से परेशान था, मगर उसने डिटरमिन लगते हुए स्क्रिप्ट राइटर से कहा, चार्ल्स डोंट यू थिंक द मार्वेलस नेचर हियर वुड पेयर बेटर विद माही स्ट्रॉन्ग क्लासिकल ओरिएंटल वाइब रादर देन सम चिली स्पेशल इफेक्ट्स? आई नो दैट इट इज रिस्की बट आई बिलीव इन माई जजमेंट। मार्टिन की कही ये बात सुनकर चार्ल्स ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ओके इफ यू इंसिस्ट बट एक्चुअली आई थिंक सो टू, ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट द न्यू सीन्स, हाउ लॉन्ग डू यू वांट देम टू बी? मार्टिन ने एक्साइटेड लगते हुए जवाब देते हुए कहा, 10 मिनट्स, नो 15 मिनट्स। एक मूवी में 15 मिनट्स की स्क्रीन टाइम, वो भी पूरे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ होने का मतलब ये था कि माही की इंपॉर्टेंस किसी सेकेंडरी फीमेल लीड जैसी बन सकती थी। यहां तक कि फिल्म में काम कर रहे एक मेन कास्ट टोनी की भी सिर्फ 10 मिनट की ही स्क्रीन टाइम थी। चार्ल्स ने जवाब देते हुए मार्टिन से कहा, इफ दैट्स द केस आई सजेस्ट वी ऐड अनदर रोमांटिक एलिमेंट बिटवीन हर एंड ओलांडो। इससे पहले कि चार्ल्स अपनी बात पूरी कर पाता, तभी अचानक जोर से दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। वहां से एक आदमी किसी साइक्लोन की तरह अंदर आया और उसने चार्ल्स को गले लगाते हुए उससे कहा, ओह बेबी आई लव यू, यू आर माय एंजल। चार्ल्स ने उस आदमी को धक्का देते हुए उससे कहा, ओलांडो डोंट थैंक मी, आई थिंक मार्टिन थॉट अबाउट इट टू, इफ नॉट ही वुडंट हैव रिटेन्ड द सीन वेयर यू मेड अ मिस्टेक जस्ट नाउ। चार्ल्स की कही ये बात सुनकर ओलांडो डायरेक्टर मार्टिन को हक करने जा रहा था, मगर मार्टिन ने उसे रोकते हुए उसकी तरफ घूर कर देखकर उसे कहा, ओलांडो आई नो दैट शी इज जस्ट योर टाइप। डायरेक्टर मार्टिन की कही ये बात सुनकर ओलांडो ने उसे इंटरप्ट करते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा, ओ नो माय डियर शी इज नॉट जस्ट माय टाइप शी इज माय क्वीन। ओलांडो की कही ये बात सुनकर मार्टिन कुछ देर तक हैरान लगने लगा और फिर उसने ओलांडो को याद दिलाते हुए उससे कहा, आई हैव टू वॉर्न यू अगेन, यू नो मी, नो रिलेशनशिप्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ फिल्म क्रू, अवॉइड योर स्कैंडल, यू'ड बेटर बी केयरफुल। ओलांडो ने डिक्लेयर करते हुए मार्टिन से कहा, आई स्वेयर टू गॉड आई ओनली गो फॉर हर आफ्टर वी आर डन फिल्मिंग। हालांकि मार्टिन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ओलांडो एक फ्लर्ट किस्म का इंसान था, मगर मार्टिन को यह देखकर तसल्ली मिली कि ओलांडो ने अपने प्रोफेशनलिज्म के लेवल को अच्छी तरह से मेंटेन किया था। जब ओलांडो ने देखा कि डायरेक्टर अब उससे गुस्सा नहीं था, तो ओलांडो ने मुस्कुराते हुए स्क्रिप्ट राइटर की तरफ देखकर उससे कहा, हे डियर चार्ल्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट एडिंग अ बेड सीन, इट विल श्योरली बी वंडरफुल। ओलांडो की रिक्वेस्ट को डायरेक्टर मार्टिन ने सुनते ही रिजेक्ट कर दिया। फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल डायरेक्शन ही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ओलांडो इस इंडियन औरत में बेहद इंटरेस्टेड लग रहा था, मगर शायद वो इंडियन औरत ओलांडो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ओलांडो प्यार का भूखा था, मगर उसके नसीब में माही का प्यार लिखा ही नहीं था। ओलांडो को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उस अकेले के मन में ही ख्याली पुलाव पक रहे थे। ओलांडो के दिमाग में माही का वो एक्सप्रेशन छपा हुआ था जब उसने शूटिंग के दौरान ओलांडो के हाथ से खजाने का मैप छीनते हुए देखा। उसके बारे में सोचते हुए वो अचानक एक्साइटेड महसूस करने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर लिया और वो उसे इंप्रेस करने की और ज्यादा कोशिश करना चाहता था। होटल में अपने कमरे में लौटने के बाद माही ने इस सिचुएशन के बारे में सबसे पहले अनुषा को बताया। फोन पर माही ने अनुषा से कहा, अनुषा आज की शूटिंग अच्छी तरह से पूरी हुई, जो दो सीन मुझे करने थे वो पूरे हो चुके हैं, मगर डायरेक्टर मार्टिन ने मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं यहाँ और दो दिन के लिए रुकूं, क्योंकि शायद स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जहां उन्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। फोन के दूसरी तरफ से माही की कही ये बात सुनकर अनुषा कुछ देर के लिए चुप हो गई, मगर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जवाब देते हुए माही से कहा, ठीक है मैं समझ गई। अनुषा ने फिर मन ही मन में कहा, आमतौर पर ऐसी फिल्म में शूटिंग खत्म होने के बाद लोग आर्टिस्ट को क्रू के साथ रोकने के लिए नहीं कहते हैं, और तो और माही के सीन्स भी ऐसे नहीं है कि वो फिल्म में कोई बड़ा इफेक्ट क्रिएट करे, तो मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट में माही के कैरेक्टर से रिलेटेड कोई चेंजेस होंगे, बट अगर उन्होंने माही के कुछ सीन्स ऐड कर लिए हैं तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें माही की जरूरत पड़े। मगर क्योंकि आफ्टर ऑल ये हॉलीवुड फिल्म क्रू था, तो ये बात ऑलरेडी अच्छी है कि एक इंडियन आर्टिस्ट के सीन को डिलीट नहीं किया जा रहा था।
कई बार फॉरेन आर्टिस्ट को महीनों तक अपने साथ रखा जाया करता था और उन्हें शूटिंग साइट पर भी ले जाया करता था, मगर इसके बावजूद भी अंत में उनके शॉट्स को डिलीट किए जाते थे और उन्हें सिर्फ कुछ पलों की स्क्रीन टाइम दी जाती थी। ऐसी सिचुएशन में किसी आर्टिस्ट के सीन को ऐड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अनुषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उसने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। अंत में उसने सिर्फ माही को वहां दो और दिन के लिए रुकने दिया। माही नहाने के बाद बालकनी में रखी डेक चेयर पर जाकर लेट गई। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ पत्ते लहरा रहे थे। तभी अचानक एक प्यारी सी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, जिसमें बहुत सारे इमोशंस भरे हुए थे। बेबी यू लाइट अप माई वर्ल्ड लाइक नोबडी एल्स, द वे दैट यू फ्लिप योर हेयर गेट्स मी ओवरवेल्म्ड, बट व्हेन यू स्माइल एट द ग्राउंड आई एंड हार्ड टू टेल यू डोंट नो, ओह यू डोंट नो यू आर ब्यूटिफुल, इफ ओनली यू सॉ व्हाट आई कैन सी यू विल अंडरस्टैंड Why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. Oh, you don't know you are beautiful. That's what makes you beautiful. गाने की आवाज सुनते ही सेजल बालकनी की तरफ दौड़ती हुई गई और उसने एक्साइटेडली कहा, अरे वाह, कितनी अच्छी आवाज है, ऐसा लगता है शायद ये ऑलैंडो की आवाज है। एक्टिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले ऑलैंडो एक सिंगर था। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी और एक वक्त में लोगों से प्रिंस ऑफ लव सॉन्ग्स के नाम से जाना जाया करता था। आज इतनी खूबसूरत रात में और इतने अच्छे व्यू के साथ ऑलैंडो काफी पैशनेट लव सॉन्ग गा रहा था। उसकी ऐसी आवाज सुनकर लड़कियों का उसके प्यार में पड़ना काफी नॉर्मल था। सेजल ने जो फेस मास्क लगाया हुआ था अब उसे उसकी भी चिंता नहीं थी। उसने अपना फेस मास्क निकाल दिया और उसने एक्साइटेडली रेलिंग के नीचे बेंड करते हुए एक्साइटेडली देख कर कहा, माही ब्रो, ये तो सच में ऑलैंडो ही है। उस पल में ऑलैंडो नीचे खड़ा हुआ था और उसके पीछे लेक का सरफेस दिखाई दे रहा था। उसके ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज के साथ ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर कई सारे इमोशंस भरे हुए थे। फिर वो माही की तरफ देखकर गाने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये किसी बेहतरीन मूवी का कोई रोमांटिक सीन था। ऑलैंडो ने अपना गाना कंटिन्यू किया। जब सेजल ने ये सुना तो वो अचानक ऑलैंडो के म्यूजिक के नशे से बाहर निकली और उसने घबराते हुए माही की तरफ देखकर पूछा, ओह माय गॉड, ऑलैंडो ये क्या है? सेजल ने घबराते हुए मन ही मन में कहा, ऑलैंडो इस वक्त माही ब्रो की बालकनी के नीचे खड़ा है और वो इस तरह का एक लव सॉन्ग गा रहा है, एक लव सॉन्ग जिसके लिरिक्स ऐसे है। हालांकि ऑलैंडो इंग्लिश में गाना गा रहा था, मगर ये गाना वाकई में बहुत पॉपुलर था। यहां तक कि इंडिया में भी लोग इस गाने को बेहद पसंद किया करते थे, तो इसलिए सेजल इस गाने से काफी फैमिलियर थी और वो इस गाने का मतलब अच्छी तरह से समझ गई। माही ने कोइंसिडेंटली नीचे की तरफ देखा और उसने ऑलैंडो की डीपली इमोशनल आंखों की तरफ देखा। ऑलैंडो के चेहरे पर ऐसा लुक देखकर माही दंग रह गई और उसने मन ही मन में कहा, अगर ऑलैंडो मुझे पसंद भी करता है तो शूटिंग के दौरान उसे कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था, मगर फिर भी। माही इस बात से काफी परेशान लगने लगी। वो सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मगर तभी अचानक उसने नीचे से ऑलैंडो के फोन को बजते हुए सुना। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिट में एक खिड़की खुली। अंधेरे में माही को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जब उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि जो इंसान खिड़की पर फोन पकड़े हुए खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर मार्टिन था और वो काफी नाराज लग रहा था। फोन पर डायरेक्टर मार्टिन ने चिल्लाते हुए ऑलैंडो से पूछा, ऑलैंडो व्हाट डिड आई टेल यू? ऑलैंडो काफी गिल्टी लग रहा था और उसने जवाब देते हुए मार्टिन से कहा, आई जस्ट प्रॉमिस्ड यू बट शी इज टू क्यूट, आई कुड नॉट हेल्प इट माय डियर मार्टिन, इफ यू हैव एवर बीन इन लव विद अ लेडी यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। फोन के दूसरी तरफ से डायरेक्टर मार्टिन ने चिल्लाकर कहा, शट अप ऑलैंडो, इमीडिएटली लीव दैट प्लेस। डायरेक्टर मार्टिन की आवाज इतनी तेज थी कि माही बिना फोन के ही उसकी आवाज क्लियरली सुन पा रही थी। जब माही ने उन दोनों को इस तरह बात करते हुए सुना तो वो काफी लाचार लगने लगी। ऑलैंडो माही की तरफ देखने लगा और वो वहां से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। फिर उसने फोन पर डायरेक्टर मार्टिन से कहा, मार्टिन डू यू नो दैट यू आर नाउ लाइक अ फादर सेपरेटिंग एन अफेक्शनेट कपल एंड रूइनिंग हिज डॉटर्स रोमांटिक लाइफ। ऑलैंडो की कही ये बात सुनकर मार्टिन हैरान लगने लगा और उसने मन ही मन में कहा, आई रियली विश आई कुड बीट दैट चोकर अप राइट देन एंड देयर। मार्टिन की डांट सुनने के बाद ऑलैंडो फाइनली वहां से जाने लगा और हर कदम आगे बढ़ाते हुए उसने पीछे मुड़कर बार बार माही की तरफ देखा। जैसे ही ऑलैंडो वहां से गया माही का फोन बजने लगा। वो कॉल डायरेक्टर मार्टिन का था। फोन की दूसरी तरफ से मार्टिन ने लाचार लगते हुए एक गहरी सांस लेकर माही से कहा, माही आई एम रियली सॉरी दैट फेलो इज टू रूड, आई होप ही डिडंट कॉज एनी डिस्टर्बेंस फॉर यू, जस्ट इग्नोर हिम। फोन पर माही ने खांसते हुए कहा, इट्स ऑलराइट, यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। माही ने फिर मन ही मन में कहा, थैंकफुली इस पूरे एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया था जिसकी वजह से यहां कोई बाहर वाला इंसान नहीं था, कम से कम इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। मार्टिन ने फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए माही से कहा, देयर इज वन मोर थिंग, initially I wanted to wait until it was prepared before I told you, but I should just tell you about it now.
I have already discussed with the scriptwriter, and I want to add scenes for you. We will try our best to form up the concrete content that we will be adding as soon as possible. So I will have to trouble you to wait for a few more days. जब माही ने मार्टिन की कही ये बात सुनी तो वो पूरी तरह से दंग रह गई और उसने पूछा, What did you just say? Add more scenes? डायरेक्टर मार्टिन ने हामी भरते हुए माही से कहा, Yes, your performance was excellent today. I believe that you will be a little surprise for the audience. मार्टिन की कही बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो माही के लिए एक दो मिनट से कहीं ज्यादा स्क्रीन टाइम को अलॉट करने जा रहा था। माही ने तुरंत खुद को काम डाउन करते हुए कहा, डायरेक्टर मार्टिन, थैंक यू सो मच। आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर कॉन्फिडेंस इन मी। डायरेक्टर मार्टिन ने अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए माही से कहा, नो माही, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। ओह, योर सीन्स। अपार्ट फ्रॉम एडिंग फाइट सीन्स, देयर विल आल्सो बी अ रोमांटिक कनेक्शन विद ओलैंडो। बट डोंट यू वरी, इट इज जस्ट मोर टू द डायरेक्शन ऑफ एन एम्बिगस रोमांस। माही ने जवाब देते हुए फोन पर डायरेक्टर मार्टिन से कहा, Okay, I have got it. Thank you, director. I will definitely perform well. Thank you for your trust and the opportunity. Director Martin से फोन पर बात करने के बाद माही ने फोन कट किया। फोन रखने के बाद भी माही को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। माही ने हैरान लगते हुए मन ही मन में कहा, इस फिल्म में ना ही सिर्फ मेरे फाइटिंग सीन बड़े हैं बल्कि उन लोगों ने मेरे लिए एक रोमांटिक प्लॉट लाइन भी मैनेज किया है, वो भी इस फिल्म के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ। इस पॉइंट पर सेजल ओलैंडो के गाने और उसके लिरिक्स के बारे में पूरी तरह से भूल गई और उसका पूरा ध्यान माही के सीन्स के एडिशन होने पर था। सेजल ने हैरान लगते हुए माही से पूछा, क्या आपकी डायरेक्टर मार्टिन से क्या बात हो रही थी? आप कौन से एडिशनल सीन की बात कर रहे थे? माही ब्रो, क्या डायरेक्टर मार्टिन ने आपसे ये कहा कि वो आपके लिए इस फिल्म में और सीन ऐड करने जा रहे हैं? माही ने हामी भरते हुए सेजल से कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। सेजल ने एक्साइटेड लगते हुए माही की तरफ देखकर उसे कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अनुषा मैडम को फोन करके ये खुशखबरी सुनाती हूँ। फोन पर सेजल से बात करने के बाद अनुषा काफी हैरान लग रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्रेडिक्शन सच हो जाएगा। उसने तुरंत माही से कहा कि वो इस फिल्म में पूरी तरह से कोऑपरेट करे और उसने फिलहाल के लिए माही और सेजल से कहा कि वो ये खबर बाहर वालों को अभी रिवील ना करे। आफ्टर ऑल, ये सिर्फ डायरेक्टर के शब्द थे और इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया था। और तो और, अगर माही के सीन्स ऐड भी हो रहे थे तो इस बात की गारंटी नहीं थी कि उन सीन्स को बाद में डिलीट नहीं किया जाएगा। अगर ये बात इस वक्त न्यूज रिपोर्टर्स तक पहुंचाई गई और बाद में माही के सीन्स को डिलीट कर दिया गया तो सबको ऐसा लगेगा कि उन्होंने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए सबसे इतना बड़ा झूठ कहा। अब माही कई सारे बड़े लोगों की नजरों में आ रही थी तो इसीलिए उसे हमेशा केयरफुल रहने की जरूरत होगी। फोन पर सेजल ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अनुषा से कहा, ठीक है अनुषा मैडम, और मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। सेजल घबराते हुए माही की तरफ देखने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे ओलैंडो के बारे में अनुषा को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं। इस बात से माही भी बहुत परेशान थी और उसका सर दुख रहा था, मगर उसे लगा कि इसके बारे में अनुषा को इन्फॉर्म करना जरूरी था तो इसलिए उसने हामी भरते हुए सेजल की तरफ देखकर अपना सर हिलाया। माही की परमिशन मिलने के बाद सेजल ने फोन पर अनुषा से कहा, अनुषा मैडम, लगता है कि ओलैंडो सर हमारी माही ब्रो में इंटरेस्टेड है। आज शाम को वो माही ब्रो की बालकनी के नीचे खड़े होकर उनके लिए पैशनेट लव सॉन्ग्स गा रहे थे, मगर फिर डायरेक्टर मार्टिन ने उनकी डांट लगाकर उन्हें वहां से भगा दिया। अनुषा मैडम, क्या आप जानते हो कि ओलैंडो कितने हैंडसम और चार्मिंग है? उनकी आवाज भी बहुत प्यारी है और ऐसा लगता है कि वो माही ब्रो को बहुत पसंद भी करते हैं। सेजल क्लियरली अनुषा से काम की बातें कर रही थी, मगर अचानक वो बात करते करते टॉपिक से दूर हो गई। ऐसी सिचुएशन में फोन के दूसरी तरफ से सेजल की कही बात सुनकर अनुषा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए। आफ्टर ऑल, वो दोनों माही के इमेज की बात कर रहे थे और अनुषा ने मन ही मन में कहा, ऐसी चीजों के बारे में सोचते हुए जब मैंने सबसे पहले माही के मैनेजर बनने का डिसीजन लिया था तो मैंने खुद को इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर लिया था। माही हमेशा से ही क्या खुल रही है और उसने अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। वो सब लोगों की रोल मॉडल भी बन चुकी है, मगर मैंने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की। इंडिया में मुझे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा, मगर जब माही ने हॉलीवुड क्रू ज्वाइन किया तब जाकर ऐसा कुछ होने लगा। अनुषा ने फोन पर जवाब देते हुए सेजल से कहा, हमें सिर्फ अपने बिहेवियर को मैनेज करना है, इस तरह से हम किसी तरह के गॉसिप का मुद्दा नहीं बनेंगे। और रही बात ओलैंडो की, डायरेक्टर मार्टिन खुद इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो अकेले ही सेट पर ओलैंडो को कंट्रोल कर लेंगे। और रही बात शूटिंग के बाद जो हुआ उसकी, तो माही अपना काम पूरा करने के बाद उस ग्रुप को छोड़कर चली जाएगी और ओलैंडो अपने सीन पूरे करके अपने होम कंट्री वापस चला जाएगा। उसके बाद वो दोनों नेचुरली एक दूसरे के सामने फिर कभी नहीं आएंगे। अनुषा की कही बात सुनने के बाद माही बहुत बेहतर महसूस करने लगी और उसने मन ही मन में कहा, अनुषा ने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, मुझे सिर्फ अपनी शूटिंग का इतना वक्त निकालना होगा और उसके बाद मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हो जाऊंगी। और तो और, ओलैंडो जैसे मर्दों के लिए जितनी जल्दी वो किसी औरत से अट्रैक्टेड होते हैं उतनी ही जल्दी उनका अट्रैक्शन खत्म भी हो जाता है। दो दिनों के बाद स्क्रिप्ट राइटर ने जल्दी से नई स्क्रिप्ट तैयार की जो उसने रात भर बैठकर लिखी थी। नई स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद माही काफी सरप्राइज हो गई। उसने देखा कि फिल्म के प्लॉट लाइन में उसके कैरेक्टर का वजन उसकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा था।
जब अनुषा को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने तुरंत माही के ट्रेवल अरेंजमेंट को एडजस्ट किया और उसका शेड्यूल अगले कुछ दिनों के लिए खाली किया। अनुषा ने मन ही मन में कहा, अगर आगे चलकर वो लोग माही के कुछ सीन्स को डिलीट कर भी देंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को बहुत कम मिलती है। चाहे इसमें हमारे पास एक छोटी सी उम्मीद की किरण ही क्यों ना हो, मगर हमें फिर भी इसके लिए लड़ना चाहिए। माही ने फोन पर अनुषा से पूछा, अनुषा क्या तुम्हें डायरेक्टर रोहन धवन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हालांकि माही ने खुद को समझा लिया था कि उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, मगर उसने ना चाहते हुए भी अनुषा से ऐसा सवाल पूछ लिया। अनुषा ने जवाब देते हुए माही से कहा, सुनने में तो ये आ रहा है कि शायद वो लोग जोया को चुनेंगे, मगर ऑफिशियली कोई न्यूज कंफर्म नहीं हुई है। मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है अनुषा, थैंक यू। वक्त गुजरता रहा और फिल्म ग्रुप के साथ माही का वक्त स्मूथली निकल गया। डायरेक्टर मार्टिन की प्रोजेक्ट में कम से कम ऑरलैंडो ने खुद को लिमिट में रखा और फिर देखते ही देखते कल का दिन माही के शूटिंग का आखिरी सीन होने वाला था। ऑरलैंडो उदास लगते हुए माही के पास गया और उसने माही से कहा, माही आई रियली विश दिस मूवी वुडंट एंड एंड दैट वी कुड कंटिन्यू शूटिंग इट। माही ने डिप्लोमेटिकली मुस्कुराते हुए ऑरलैंडो से कहा, वी हैव अ सेइंग हियर इन इंडिया, इट सेज दैट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, इफ वी आर फेटेड वी विल डेफिनेटली हैव मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्किंग टुगेदर अगेन, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम थैंक यू मिस्टर ऑरलैंडो फॉर वॉचिंग आउट फॉर मी। क्योंकि माही ने ऑरलैंडो के बारे में बहुत कुछ सुना था तो इसीलिए उसने प्राइवेटली अपना शांत और सिंपल लड़की की इमेज मेंटेन करने की कोशिश की, मगर माही ये बात नोटिस कर पा रही थी कि वो किसी तरह से भी ऑरलैंडो के डिसीजन और बिहेवियर पर इफेक्ट नहीं कर पा रही थी। ऑरलैंडो ने उदास लगते हुए अपने हाथ में पकड़े गन की तरफ देखकर माही से कहा, माही आई एम रियली अफ्रेड दैट आई वोंट बी एबल टू फिल्म टुमारो सीन। कल के सीन में ऑरलैंडो अपने हाथों से माही को गोली मारकर उसकी जान लेने वाला था। सैड एंडिंग की वजह से ऑरलैंडो कई बार स्क्रिप्ट राइटर चार्ल्स को गले लगाकर रोता रहा, यहां तक कि उसने चार्ल्स से यह भी रिक्वेस्ट की थी कि माही का कैरेक्टर ऑरलैंडो के कैरेक्टर की जान ले ले। उसने कहा था कि वो एक्टिंग में भी माही की जान नहीं ले पाएगा। माही की नजरें अनइंटेंशनली ऑरलैंडो के हाथ में पकड़े गन पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि माही उस गन को पकड़ना चाहती थी। जब ऑरलैंडो ने माही के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा तो उसने तुरंत उस गन को माही से इंट्रोड्यूस कराते हुए उससे कहा, दिस इज बेरेटा 92F, द किंग अमंग गन्स, द बॉडी इटसेल्फ यूजेस एविएशन एल्युमिनियम अलॉय। शायद क्योंकि लड़के नेचुरली गन्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे तो इसीलिए ऑरलैंडो एक लंबे समय तक माही को गन की इन्फॉर्मेशन बताता रहा और उसने फाइनली कहा, वेल बट दिस वन इज फेक बट इट्स बीन क्राफ्टेड टू लुक वेरी रियल, यू विल बी यूजिंग गन्स फॉर योर सीन्स टुमारो टू, कम लेट मी टीच यू हाउ टू होल्ड अ गन। क्योंकि माही जल्द ही ग्रुप को छोड़कर जाने वाली थी तो इसीलिए उसने सोचा कि वो अपने कमजोर और खरगोश जैसी इमेज को मेंटेन करेगी और इसीलिए ऑब्वियसली ये नहीं कह पा रही थी कि वो अगली गन के साथ बहुत अच्छी तरह से खेल लेती थी। फाइनली उसने मासूमियत से ऑरलैंडो की तरफ देखकर कहा, थैंक यू ऑरलैंडो सर। जब ऑरलैंडो ने यह सुना तो उसने खुशी से और काफी इंटरेस्ट के साथ माही को गन पकड़ने का और ट्रिगर दबाने का तरीका डिटेल में सिखाया और इसके साथ ही साथ उसने माही को अपने मूवमेंट को और ज्यादा ग्रेसफुल दिखाने का ट्रिक भी सिखाया। तभी अचानक पास से डायरेक्टर ने ऑरलैंडो को पुकारते हुए वार्निंग भरे अंदाज में उससे कहा, ऑरलैंडो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सीन। फिल्मिंग पीरियड के दौरान अगर ऑरलैंडो माही के पास 5 मिनट से ज्यादा बिताने लगता तो डायरेक्टर मार्टिन उसे तुरंत एक फ्रेंडली ग्रीटिंग के साथ वार्न करने लग जाते थे। ऐसे में ऑरलैंडो ने गुस्से में मार्टिन की तरफ देखा जो दो प्रेमी को जुदा करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने ध्यान से माही के हाथ में गन रखते हुए कहा, डू यू लाइक इट, यू कैन टेक इट बैक टू प्ले विद इट, जस्ट रिटर्न इट टू मी एट टुमारोज़ शूट, मार्टिन लेट मी फैमिलियराइज विद द वे टू होल्ड द गन, सो आई एम ऑलरेडी वेरी स्किल्ड। ऑरलैंडो की कही ये बात सुनकर माही तुरंत ये कहने वाली थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और उसे फेक गन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके अलावा माही के गन के साथ ज्यादा सीन्स नहीं थे, ये तो सिर्फ एक सिंगल शॉट था तो इसीलिए उसे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं थी। मगर जब उसने देखा कि ऑरलैंडो की आंखों में चमक दिखाई दे रही थी और वो खुशी से माही को अपनी गन देना चाहता था तो वो ऐसी काइंडनेस को रिफ्यूज नहीं कर पाई। उसने गन एक्सेप्ट करते हुए ऑरलैंडो की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच। शूटिंग के वक्त के दौरान माही ने एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली अपना रिजेक्शन इंडिकेट किया था, यहां तक कि उसने इनडायरेक्टली ये भी कहने की कोशिश की कि उसकी जिंदगी में पहले से ही कोई था। मगर ऑरलैंडो माही के ख्यालों में इतना डूबा हुआ था और अपने इमोशंस में पूरी तरह से इमर्स हो चुका था कि उसने माही की कही किसी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में माही को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि कल उसकी शूटिंग का आखिरी दिन था। रात को अपना काम पूरा करने के बाद माही अपने होटल के कमरे में वापस लौटी। नहाकर फ्रेश होने के बाद माही ने विक्रम ओबेरॉय को कॉल किया। उस वक्त ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग की सारी लाइट्स जली हुई थी। मीटिंग रूम के अंदर टेंशन का माहौल था और सबके चेहरे पर पसीने दिखाई दे रहे थे। एक तरह के सीरियस और खड़ूस माहौल के बीच अचानक फोन के बजने की आवाज सुनाई दी। विक्रम ओबेरॉय ने कॉलर आईडी की तरफ देखा और उसने अनएक्सपेक्टेडली हायर मैनेजमेंट स्टाफ को इंटरप्ट करते हुए और ये अनाउंस करते हुए कहा, मीटिंग टाइम आउट। विक्रम ओबेरॉय की ये बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे
और धीमी आवाज में आपस में कमेंट करने लगे। भला बॉस के पास इस वक्त किसका फोन आ सकता है? बॉस ने तो उस इंसान का नाम देखते ही ऐसे वक्त के बीच मीटिंग रोक दी। क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरा बॉस के चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, तुम खुद समझ जाओगे कि वो फोन किसका हो सकता है। थैंक यू लेडी बॉस, आपने आज हमें बचा ही लिया। फोन उठाने के बाद विक्रम बालकनी की तरफ चला गया और उसने कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से माही ने विक्रम से कहा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जब विक्रम ओबेरॉय ने माही की आवाज सुनी तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नरम पड़ गया और उसने जवाब देते हुए माही से कहा, मैं मोहित से बोलकर अगली फ्लाइट चेक करता हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाता हूँ। माही ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसे वक्त में विक्रम बहुत ज्यादा बिजी था, मगर सिर्फ माही के एक बार कहने पर विक्रम सब कुछ छोड़कर उसके पास जाने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर माही ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, विक्रम जैसे इंसान को पाने के लिए मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ बहुत अच्छा किया होगा। माही ने तुरंत फोन पर विक्रम से कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया कि कल मेरे आखिरी सीन की शूटिंग होने वाली है और परसों मैं घर जा सकती हूँ। माही की कही ये बात सुनकर विक्रम ओबेरॉय ने कहा, ठीक है मुझे अपनी फ्लाइट डिटेल्स भेज देना, मैं आकर तुम्हें पिक कर लूंगा। जैसे ही माही फोन पर विक्रम से कुछ कहने जा रही थी तभी अचानक बैकग्राउंड में माही के बालकनी से किसी के गाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर माही थोड़ी सी परेशान लगने लगी, वो ऑर्लैंडो के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी और उसने खांसते हुए फोन पर विक्रम से कहा, दरअसल हमारे ग्रुप का एक मेल लीड सिंगर रह चुका है और जब भी उसे बोर होता है वो गाना गाने लगता है। बैकग्राउंड में ऑर्लैंडो का गाना कंटिन्यू होता रहा, यू डोंट नो, ओ यू डोंट नो यू आर ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल माही। इस पॉइंट पर माही बहुत ज्यादा घबराने लगी और उसने मन ही मन में कहा, डैम इट, इस आदमी ने तो लिरिक्स ही बदल दिए। फोन के दूसरी तरफ से विक्रम भी हैरान लगने लगा। माही ने तुरंत फोन पर विक्रम ओबेरॉय से कहा, डार्लिंग आप प्लीज बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं इस बात को खुद खत्म करूंगी। अगले दिन फिल्मिंग वेन्यू पर, कल रात माही बहुत देर तक फोन पर विक्रम ओबेरॉय को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती रही और आज फिल्मिंग क्रू के पास जाने के बाद वो सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करती रही। अब वो चाहती थी कि वो एक टेक में ही अपना काम खत्म करके वहां से चली जाए। वहीं दूसरी तरफ ऑर्लैंडो ने ये फैसला किया कि वो आज के आखिरी सीन में कुछ बुरे टेक्स देगा, मगर जब शूट करने की बारी आई तो ऑर्लैंडो दंग रह गया था। किसी बड़े से माउंटेन टॉप पर आज के सीन की शूटिंग होने वाली थी। शुरू में ये डिसाइड हुआ था कि माही के कैरेक्टर की ट्रेजिक एंडिंग ऑर्लैंडो के हाथ से होने वाली थी, मगर चार्ल्स और डायरेक्टर मार्टिन के डिस्कशन के बाद उन दोनों ने मिलकर फाइनली ये डिसाइड किया कि माही के कैरेक्टर की एक ओपन एंडिंग होगी ताकि जब ऑर्लैंडो माही को शूट करेगा तो वो पहाड़ से नीचे गिरेगी और ये सही ढंग से नहीं दिखाया जाएगा कि माही की कैरेक्टर मर जाएगी या फिर जिंदा बच जाएगी। जब डायरेक्टर मार्टिन ने इस आइडिया का सुझाव दिया तो सरप्राइजिंगली स्क्रिप्ट राइटर चार्ल्स उसकी बात अच्छी तरह से समझ गया। उन्होंने सोचा कि ऐसी मूवी का आगे चलकर सीक्वल भी बनाया जा सकता था। अगर पहले पार्ट में माही के कैरेक्टर को अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो मार्टिन पॉसिबली माही को इस फिल्म के सीक्वल के लिए जरूर कॉन्टेक्ट करेगा। जब माही को स्क्रिप्ट की ऑल्टरेशन मिली तो उसने मन ही मन ने कहा, मैंने भी इस आइडिया के बारे में सोचा था और अगर बात सिर्फ ऑर्लैंडो को इग्नोर करने की नहीं होती तब भी मुझे अपनी परफॉर्मेंस में आज अपनी जान लगा देनी होगी। डायरेक्टर मार्टिन ने अनाउंस करते हुए कहा, 3, 2, 1 एक्शन। क्लिप बोर्ड की आवाज सुनने के बाद शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के दौरान ऑर्लैंडो शुरू से ही जानबूझकर गलतियां कर रहा था ताकि वो माही के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लंबे अरसे से था और उसके लिए बिना किसी सबूत के बुरे टेक्स देना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर जब शूटिंग ऑफिशियली शुरू हुई तो ऑर्लैंडो पूरी तरह से हैरान लगने लगा। जैसे ही डायरेक्टर मार्टिन ने सीन के कट को अनाउंस किया तो वहीं पास में जहां माही गन पकड़कर सारे एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के साथ लड़ाई कर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी तरह का भूत सवार हो गया था। शुरू में माही का सीन काफी सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया था, मगर जिस तरह माही ने अपना पर्सोना एक्सप्रेस किया तो ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। उसकी मार्क्समैनशिप काफी बेहतरीन लग रही थी और उसका गन पकड़ने का तरीका और एक्शन सीन बेहद प्रोफेशनल लग रहे थे। जिस तरह से वो अपने दुश्मनों की तरफ देख रही थी उसे देखकर वहां मौजूद ऑडियंस घबराहट के मारे कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सीरियल किलर बन चुकी थी। माही की मार्क्समैनशिप वाकई में बेहद शॉकिंग थी। एक ही दिन पहले ऑर्लैंडो ने माही को थोड़ी बहुत टिप्स दी थी, मगर वो ये बात अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसकी छोटी सी टिप्स की वजह से माही इस लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती थी। हालांकि ये पहला शूट था और उन्होंने माही के साथ बैठकर एक बार भी प्लॉट की तैयारी नहीं की, मगर माही को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से अपने एक्ट में डूब गई थी। यहां तक कि ऑर्लैंडो भी, जिसने बुरे टेक्स देने की प्लानिंग की थी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बॉडी इनवॉलंटरली माही के मूवमेंट से कोऑपरेट करने लगी थी। उसने माही के हाथ में पकड़ी गन को लात मार दी और फिर उसने 10 कदम की दूरी पर अपनी गन को उठाकर माही के दिल पर निशाना तान दिया। उसके चेहरे पर प्यार और नफरत के मिक्स्ड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। इस पल में वो सब कुछ भूल गया था। वो भूल गया था कि वो ऑर्लैंडो था। वो ये भी भूल गया था कि वो बुरे टेक्स करने की प्लानिंग करके आया था। इस पॉइंट पर जब वो अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देख रहा था तो वो पूरी तरह से अपने लीड कैरेक्टर की दुनिया में घुस गया था
जिसका नाम रैंडी था। जिस लड़की ने ऑलैंडो को प्यार का एहसास दिलाया था वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उसकी दुश्मन बन गई थी। ऑलैंडो के मिक्स्ड और स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन की तुलना में माही सिर्फ एक मर्डर वेपन थी, जैसे बचपन से ही ऐसे बनने की ट्रेनिंग मिली थी। उसके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज नहीं थी, और तो और इस वक्त जब वो मौत के सामने खड़ी थी तब भी उसकी आंखों में कोई इमोशंस दिखाई नहीं दे रहा था। माही ऑलैंडो की तरफ देख रही थी। उसने ऑलैंडो के हाथ में पकड़ी गन की तरफ एक नजर देखा और अगले ही पल उसकी नजरें शार्प हो गईं। उसका इनडिफरेंट एक्सप्रेशन, जो कि शुरू से ही अपनी एक्ट में इमर्स था, वो अचानक वेवर होने लगा और उसने मन ही मन में कहा, ये बंदूक। तभी अचानक ऑलैंडो ने अपनी आंखें बंद करके फाइनली ट्रिगर दबा दी। जैसे ही ऑलैंडो ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक की ट्रिगर दबाई तो जो आंखें उसकी बंद थी वो अचानक घबराहट के मारे खुल गई। इनफैक्ट वो गनशॉट की आवाज से तुरंत अपनी एक्ट से बाहर निकल आया। ऑलैंडो ने मन ही मन में कहा, What is happening? This was just a fake gun. Why did it make such a sound? Also, that feeling when I pulled the trigger did not feel quite right. सिर्फ ऑलैंडो ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मार्टिन, चार्ल्स और बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स काफी हैरान लगने लगे। सब लोग घबराहट के मारे नीचे गिरी हुई माही की तरफ दौड़ कर जा पहुंचे। लोगों ने घबराहट के मारे कहा, ओ माई गॉड, दिस इज अ रियल गन। व्हाट द हेल, व्हाट इज हैपनिंग? माही, माही डियर, आर यू ऑल राइट? किसी हॉस्पिटल में वार्ड के बाहर ऑलैंडो के खूबसूरत ब्लॉन्ड बाल काफी मैसी लग रहे थे। उसके कपड़े भी खराब हो चुके थे और तो और उसका एक जूता भी कहीं गायब हो गया था। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत घबराहट दिखाई दे रही थी। ऑलैंडो के अलावा वहां पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रॉप मास्टर और सेजल वार्ड के बाहर खड़े हुए थे। मार्टिन बहुत इरिटेटेड लग रहा था और उसने गुस्से में चिल्लाकर ऑलैंडो से पूछा, ऑलैंडो, यू शुड बेटर गिव मी एन एक्सप्लेनेशन, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? ऑलैंडो ने काफी उदास लगते हुए कांपती हुई आवाज में जवाब देते हुए डायरेक्टर मार्टिन से कहा, मार्टिन, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट बिकेम अ रियल गन। मार्टिन अपने सामने खड़े ऑलैंडो को गुस्से में घूर कर देख रहा था और उसने मन ही मन में कहा, फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन इट डज नॉट लुक लाइक ही इज प्रिटेंडिंग। मगर इसके बावजूद भी मार्टिन के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ा और उसने ऑलैंडो से पूछा, यू डोंट नो दैट गन हैज बीन विद यू ऑल दिस व्हाइल, हाउ कुड यू नॉट नो? इस बात पर ऑलैंडो काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। उसने रोते हुए कांपती हुई आवाज में जवाब देते हुए मार्टिन से कहा, इट वाज विद मी बट इट वाजंट विद मी थ्रू आउट। आई गिव द गन टू माही टू लेट हर टेक इट बैक टू प्रैक्टिस, शी रिटर्न्ड इट टू मी दिस मॉर्निंग। सेजल, जिसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, जब उसने ऑलैंडो की कही ये बात सुनी तो उसने रोते हुए डायरेक्टर मार्टिन की तरफ देखकर कहा, डायरेक्टर मार्टिन, मिस्टर ऑलैंडो डिड इंडीड गिव द गन टू माही ब्रो लास्ट नाइट, द नेक्स्ट डे इट वाज आई हु रिटर्न्ड इट टू ऑलैंडो सर। सेजल की ये बात सुनकर डायरेक्टर मार्टिन ने तुरंत पूछा, डिड इट पास थ्रू एनीवन एल्सस हैंड इन बिटवीन? सेजल ने अपना सिर हिलाते हुए डायरेक्टर मार्टिन से कहा, नो, आई डोंट थिंक सो। जब डायरेक्टर मार्टिन ने सेजल का ये जवाब सुना तो वो बेहद परेशान लगने लगे और उन्होंने कहा, डैम इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड? होटल को सील कर दिया गया था। वहां के फिल्म क्रू के अलावा बाहर वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और इसीलिए वहां मौजूद किसी इंसान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बिना किसी के नोटिस किए कौन गन को बदलने जैसी हरकत कर सकता था और कौन माही की जान खतरे में डालना चाहता था। शूटिंग के दौरान जब ये सब हुआ तो वहां काफी हल्ला मचने लगा। माही ने रेड कलर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी तो इसीलिए किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माही को गोली कहां लगी। उस वक्त डॉक्टर अभी भी वार्ड के अंदर माही का चेकअप कर रहा था और इसीलिए किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिचुएशन कैसी थी। डायरेक्टर मार्टिन ने मन ही मन में कहा, माही इज द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट अंडर इंडियाज मोस्ट कैपेबल मैनेजमेंट कंपनी ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट राइट नाउ। फॉर द मोर, ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट वाज अ कंपनी अंडर द ओबेरॉय कॉर्पोरेशन। इफ समथिंग हैपेंड टू माही व्हेन शी वाज अ पार्ट ऑफ माय ग्रुप, देन आई कैनॉट इवन इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस दैट आई वुड हैव टू फेस। इवन इफ दिस मैटर डिड नॉट स्टार्ट ऑन मिस्टर ओबेरॉय, वी वुड डेफिनेटली बी फेस्ड विद ह्यूज ट्रबल। ऑलैंडो घबराते हुए वार्ड के दरवाजे की तरफ देखता रहा और उसने पूछा, व्हाई इजंट माही आउट येट? ऑलैंडो का यह सवाल सुनकर डायरेक्टर मार्टिन ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर उसे कहा, ऑलैंडो, प्लीज यू गो बैक एंड वेट इन द होटल, आई होप दैट यू आर क्लियर दैट यू आर स्टिल अ सस्पेक्ट। ऑलैंडो ने फिर उदास लगते हुए डायरेक्टर से कहा, मार्टिन, आई श्योरली विल बट प्लीज लेट मी कंफर्म माहीज कंडीशन। तभी अचानक वार्ड का दरवाजा खुला और व्हाइट कोट पहने एक डॉक्टर अंदर से बाहर निकला। डॉक्टर को देखकर सारे लोगों ने उसे घेर लिया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, हाउ इज माही फीलिंग नाउ? जैसे ही मार्टिन घबराते हुए डॉक्टर से माही की कंडीशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक उसने हॉलवे में पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनी। इस बात से मार्टिन बेहद घबराने लगा और उसने मन ही मन में कहा, हाउ वाज देयर समवन हियर? आई हैड क्लियरली ऑर्डर्ड द हॉस्पिटल टू सील ऑफ दिस फ्लोर। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि एक आदमी तेजी से उनकी तरफ चलकर आ रहा था और उसके पीछे एक सबॉर्डिनेट था जो कि उसके असिस्टेंट जैसा लग रहा था। उस आदमी के चेहरे पर बहुत गुस्सा और घबराहट दिखाई दे रही थी और उसके शरीर से एक अजीब सी भयानक प्रेजेंस महसूस हो रही थी।
जब डायरेक्टर मार्टिन ने देखा कि वहां कौन आया था तो उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से धड़कने लगा और फिर उसने मन ही मन में कहा, दिस डज नॉट लुक गुड एट ऑल। डायरेक्टर मार्टिन ने घबराते हुए मन ही मन में कहा, दैट लुक्स लाइक विक्रम, विक्रम ओबेरॉय, बट हाउ कुड दिस बी? द सीईओ ऑफ द ओबेरॉय कॉर्पोरेशन, अमेरिकाज वॉल स्ट्रीट लेजेंड, द लेजेंड ऑफ इंडियाज बिजनेस वर्ल्ड इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एट अ मोमेंट लाइक दिस, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट। विक्रम ओबेरॉय खुद को हमेशा से ही लो प्रोफाइल ही मेंटेन किया करता था और वो पब्लिक ओकेजंस के दौरान बहुत कम मौजूद हुआ करता था। डायरेक्टर मार्टिन इसीलिए विक्रम को पहचान गए क्योंकि एक बार वो दोनों किसी कॉकटेल पार्टी में एक दूसरे से मिले थे। विक्रम को इस तरह वहां देखकर कोई ये बात मान ही नहीं सकता कि उसका किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे कि विक्रम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेहद इंटरेस्टेड था और इंडस्ट्री के लिए उसका इनसाइट काफी प्रोफेशनल था। डायरेक्टर मार्टिन ने विक्रम ओबेरॉय के साथ कई प्रोफेशनल इश्यूज के बारे में बात की थी। घबराहट के मारे डायरेक्टर मार्टिन ने विक्रम को पुकारा, विक्रम ओबेरॉय। इस पल में डायरेक्टर मार्टिन ने कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं की क्योंकि इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो कॉकटेल पार्टी वाले विक्रम ओबेरॉय से बहुत अलग लग रहा था। विक्रम ओबेरॉय ने मार्टिन की तरफ देखा तक नहीं बल्कि उसने डायरेक्टली डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे पूछा, वो कैसी है? इस पॉइंट पर डायरेक्टर मार्टिन ने मन ही मन में कहा, आई फील एट दिस पॉइंट आई एम रियली वेरी लकी दैट दिस मैन हैज नॉट बॉदर्ड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन बट इट सीम्स लाइक व्हाट आई वाज वरीड अबाउट द मोस्ट हैज एक्चुअली हैपेंड। Vikram had really come for Mahi. The CEO of Oberoi Corporation had actually personally appeared for a subsidiary company's employee. Vikram Oberoi ke khatarnak expression ko dekhkar doctor ke haath pair bhi kaampne lage. Ek aise aadmi ko achanak is tarah aate hue dekhkar doctor turant samajh gaye ki ye koi bada aadmi hoga aur usne turant Martin se apni nazrein hatakar Vikram Oberoi ki taraf dekhkar usse kaha, wo bilkul theek hai, luckily use sirf thodi si kharoch aayi hai. Vikram Oberoi ne hairan lagte hue doctor se pucha, sirf thodi si kharoch? तभी अचानक साइड में खड़े ऑलैंडो ने इंटरप्ट करते हुए पूछा, Really? Just a little खरोच? Are you sure? डॉक्टर ने कैजुअली जवाब देते हुए ऑलैंडो से कहा, Yes, गोली सिर्फ माही को छूकर गुजरी थी जिसकी वजह से उसके वाइटल ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मार्टिन ने डॉक्टर के शब्द सुने तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मौत को छूकर वापस लौटा था। कुछ देर पहले वो वाकई में बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था मगर फिर अचानक मार्टिन काफी हैरान लगने लगा और उसने मन ही मन ने कहा, बट हाउ कुड दिस बी? ऑलैंडोस गन हैड बीन एम्ड राइट एट माहीज हार्ट। If it had hit her, everything would have definitely pointed to disaster. Oh, but wait a minute. I suddenly remember that before Orlando had pulled the trigger, Mahi seemed to have very quickly shifted. Could she have noticed that something was not right then and had intentionally evaded it? In such a situation at that moment then, how did she notice that something was off and had even accurately evaded her vital parts? Orlando ko dekhkar aisa bilkul nahi lag raha tha ki use Vikram Oberoi ke achanak aane se koi fark pada. Wo ye tak nahi janna chahta tha ki wo aadmi kaun tha aur wahan kya kar raha tha. जैसे ही डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की ऑलैंडो तुरंत वार्ड के अंदर घबराते हुए चला गया। ओह डियर माही। विक्रम ओबेरॉय ने एक पल के लिए ऑलैंडो की तरफ देखा और फिर वो भी जल्दी से वार्ड के अंदर चला गया। मार्टिन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां क्या हो रहा था मगर फिर वो भी उनके पीछे वार्ड के अंदर गया। वार्ड के अंदर माही हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी और उसके घाव को ट्रीट कर दिया गया था। माही के कपड़े बदल दिए गए थे और इस वक्त वो पेशेंट की गाउन पहने लेटी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब बिल्कुल ठीक थी, बस उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा पीला लग रहा था। जब माही ने ऑलैंडो को देखा तो वो उससे कुछ कहने जा रही थी मगर तभी अचानक उसने देखा कि ऑलैंडो के पीछे कोई खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने ऑलैंडो के पीछे खड़े आदमी को देखा तो उसने तुरंत एक्साइटेडली और ऑलमोस्ट कूदते हुए कहा, बॉस। माही विक्रम ओबेरॉय को डार्लिंग पुकारने वाली थी मगर उसने सही टाइम पर खुद को कंट्रोल कर लिया। माही की ऐसी हालत देखकर विक्रम ओबेरॉय ने परेशान लगते हुए उसकी तरफ देखा और उसने खड़ूस अंदाज में माही से कहा, ज्यादा हिलो मत। माही ने विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर उसे पूछा, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? मगर माही ने मन ही मन में कहा, ओह माय डार्लिंग, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। क्योंकि वार्ड के अंदर फिल्म क्रू के कई सारे लोग मौजूद थे तो इसीलिए विक्रम ओबेरॉय ने एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देते हुए माही से कहा, मैं अपने बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में यहां से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी खबर सुनी। मगर सच तो यह था कि कल रात माही से फोन पर बात करने के बाद विक्रम ओबेरॉय ने अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कर ली थी ताकि वो माही के साथ थोड़ा समय बिता पाए। उसे इस बात का डर था कि फिल्म क्रू में मौजूद रोमियो का खेल खत्म करने के चक्कर में वो खुद को चोट पहुंचा लेगी, तो इसीलिए वो पर्सनली वहां जाकर माही के लिए ये काम करना चाहता था। विक्रम ओबेरॉय ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि जब वो प्लेन से नीचे उतरेगा तभी उसे इतनी भयानक खबर मिलेगी। माही ने विक्रम ओबेरॉय को समझाते हुए उससे कहा, थैंक यू बॉस, डॉक्टर ने मुझे चेक कर लिया है, ये सिर्फ एक छोटा सा घाव है और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मगर मन ही मन में माही ने कहा, ओह काश मैं आपको बता पाती कि मुझे कितना दर्द हो रहा है और मुझे आपके किस और हक की दवा चाहिए। हालांकि माही विक्रम ओबेरॉय को बार बार बॉस बुला रही थी मगर उसकी नजर उसके बिहेवियर को धोखा दे रही थी और यह साफ दिखाई दे रहा था कि वो विक्रम ओबेरॉय की तरफ इंटीमेटली देख रही थी। विक्रम ये बात अच्छी तरह से समझ रहा था
और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। ऑलैंडो और बाकी ग्रुप मेंबर थोड़ी बहुत हिंदी समझते थे, और जब ऑलैंडो ने उन दोनों की बातें सुनी तो वो समझ गया कि ये आदमी जो अचानक वहां आ पहुंचा था वो कोई और नहीं बल्कि माही का बॉस था। इस पॉइंट पर ऑलैंडो ने विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए और हिंदी में बात करने की कोशिश करते हुए कहा, आप दोनों की बातों से मैं इतना समझ गया कि आप माही के बॉस हो। माही हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है, वो कहती है कि वो आपको बहुत एडमायर करती है। ये सब मेरा मिस्टेक था, शुरू से लेकर एंड तक सब मेरी गलती थी। मगर मैंने गन को सही तरह से सेफ गार्ड किया होता तो ये किसी स्ट्रेंजर के हाथ से रिप्लेस नहीं हो पाती। मेरी वजह से पुअर माही को इतना पेन हुआ, बट डोंट यू वरी, मैं इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जिस तरह से ऑलैंडो माही की तरफ देख रहा था, विक्रम ओबेरॉय समझ गया कि ये वही रोमियो था जिसके बारे में माही ने कल रात फोन पर उसे बताया था। ऑलैंडो को अपने सामने देखकर विक्रम ओबेरॉय की आंखों में गुस्सा झलकने लगा, और फिर उसने ऑलैंडो से पूछा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑलैंडो ने शर्माते हुए माही की तरफ देखा, और फिर उसने हिंदी में बात करते हुए विक्रम ओबेरॉय से कहा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं माही को अपनी वाइफ बनाऊंगा। ये बात साफ थी कि ऑलैंडो की हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, मगर उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपनी ये बात ठीक तरीके से नहीं कही, तो उसने खुद इस बात को करेक्ट करते हुए दोबारा कहा, अब मैं माही को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, और मेरा पॉइंट ये है कि मैं माही से शादी करना चाहता हूँ। ऑलैंडो की कही ये बात सुनकर विक्रम ओबेरॉय के होश उड़ गए। माही भी काफी हैरान लग रही थी, और उसने मन ही मन में कहा, हे भगवान, आखिर इस इंसान को मेरे साथ कैसी दुश्मनी है? इसका मुझे गन से अटैक करना काफी नहीं था क्या? मैं पहले से ही इस हालत में हूँ, और अब तुम चाहते हो कि मैं डर के मारे मर ही जाऊं? यहां तक कि वहां खड़े डायरेक्टर मार्टिन भी इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने गुस्से में ऑलैंडो की तरफ देखकर उसे कहा, ऑलैंडो, विल यू प्लीज शट अप? मार्टिन ने इरिटेटेड लगते हुए मन ही मन में कहा, He had almost killed her, and as if that was not enough yet, now you want to take her as his wife? What logic was this? In fact, I'm not even sure whether I'm just having an illusion, but I keep feeling like Vikram Oberoi's appearance is rather odd. It could not be as coincidence, still as purely finding out about this when passing by, which is why I also did that idiotic Orlando would say the wrong thing. मगर unfortunately, Orlando ने किसी की कोई advice नहीं सुनी। वो सिर्फ emotionally Vikram Oberoi की तरफ देखने लगा, और उसने हिंदी में बात करना continue किया, और Vikram Oberoi से कहा, Mister, माही के लिए मेरी सिंसेरिटी पर आपको बिलीव करना ही होगा, और मैं आपको मेरे प्रॉमिस का विटनेस बनाना चाहता हूँ। मेरे वर्ड्स बिल्कुल भी झूठ नहीं है। जब से मैंने माही को देखा है तब से मुझे उससे प्यार हो गया है। जब उसने मुझे हिट किया और जब उसने मुझे घूर कर देखा तो मुझे बिल्कुल भी बैड फील नहीं हुआ। इंस्टेड उसकी वजह से मुझे बिलीव हो गया कि माही ही मेरी ओनली वन है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप माही को मुझे दे दो। ऑलैंडो की कही ये बात सुनकर माही के होश उड़ गए, और उसने मन ही मन में कहा, मैं अभी अभी मौत का सामना करके यहाँ तक पहुंची हूँ, मगर अब मुझे लगता है कि ये आदमी मुझे इतना गुस्सा दिलाएगा कि गुस्से में मैं अपनी ही जान ले लूंगी। ऐसे में तो मैं विक्रम की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही हूँ। वहां अचानक सन्नाटा छा गया था, मगर ऑलैंडो ध्यान से विक्रम ओबेरॉय के जवाब के लिए बेसब्री से इंतजार करता रहा। कुछ देर के बाद विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए ऑलैंडो से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विक्रम ओबेरॉय का जवाब सुनकर ऑलैंडो ने तुरंत परेशान लगते हुए उससे पूछा, व्हाई? मैं माही के लिए बहुत सिंसियर हूँ, इनफैक्ट उसके करियर के लिए मैं अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट भी रख सकता हूँ। विक्रम ओबेरॉय ने मार्टिन और बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा, आई वुड लाइक टू ट्रबल एवरीवन टू लीव फॉर अ मोमेंट, आई हैव सम थिंग्स टू से टू दिस मिस्टर इन प्राइवेट। इस वक्त मार्टिन के मन में कई सारे सवाल थे, मगर ऑलैंडो की इस बेवकूफी की वजह से मार्टिन किसी से कुछ पूछ नहीं पाया, और उसे कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला। जब उसने देखा कि ये बात इस हद तक बिगड़ गई तो वो लाचार लगते हुए बाकी लोगों के साथ वार्ड के बाहर चला गया। सबके वहां से बाहर जाने के बाद ऑलैंडो ने दोबारा बेचैन लगते हुए विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर उसे पूछा, टेल मी व्हाई? विक्रम ओबेरॉय ने हॉस्पिटल के बेड पर लेटी माही की तरफ देखा, और फिर उसने माही के बाल सहलाए। फिर अगले ही पल विक्रम ओबेरॉय ने झुककर माही को किस किया, और फिर उसने ऑलैंडो से कहा, बिकॉज शी इज माइन। विक्रम ओबेरॉय का माही को किस करते हुए देखकर ऑलैंडो हैरान लगते हुए अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बिजली का झटका लग गया था। अपने उलझे हुए बालों के साथ उसका मुंह खुला का खुला रह गया, और फिर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। ऑलैंडो बहुत देर तक चुप रहा, और फिर फाइनली उसके मुंह से कोई इंडियन शब्द निकला, यू चोर। ऑलैंडो की ये बात सुनकर माही ने इरिटेटेड लगते हुए मन ही मन में कहा, अगर तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है तो तुम्हें इस तरह बोलने की कोशिश करके शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इसे याद आया, मैं विक्रम से वाकई में बहुत इंप्रेस हूँ। मेरे प्यारे विक्रम के रोमांस डिस्ट्रॉइंग स्किल्स दिन ब दिन काफी इंप्रूव होते जा रहे हैं, ये देखकर तो मेरे दिल में गुदगुदी सी हो रही है। माही ने अपना गला साफ करके ऑलैंडो के शब्द सही करते हुए कहा, मिस्टर ऑलैंडो, चोर मींस थीफ, एंड आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली दैट आई ऑलरेडी हैव समवन आई लव। माही की कही ये बात सुनकर ऑलैंडो विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखने लगा,
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे माही की बात से बहुत बड़ा शौक लगा है और उसने हैरान लगते हुए कहा, दिस इज इम्पॉसिबल, हाउ कुड देयर बी गर्ल्स हू लाइक समवन एज़ ओल्ड एज़ यू, आई एम मोर हैंडसम, मोर चार्मिंग, मोर स्वीट टॉकिंग, क्यूटर, मोर पैशनेट देन हिम, माही, आर यू बीइंग थ्रेटन्ड बाय हिम बिकॉज़ ही इज योर बॉस। ऑर्लैंडो की कही ये बात सुनकर माही ने इरिटेटेड लगते हुए उससे कहा, इट वॉज आई हू कन्फेस्ड टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू डेट मी। जब विक्रम ओबेरॉय ने माही के प्रोटेक्टिव शब्द सुने तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी नरम पड़ गया। इस पॉइंट पर ऑर्लैंडो का दिल पूरी तरह से दुखने लगा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस रोने ही वाला था, मगर उसने बिल्कुल हार नहीं मानी और उसने अचानक कुछ याद करते हुए इमोशनली माही की तरफ देखकर कहा, ही आई हर्ड ही हैज अ सन, ही इवन हैज अ सन, ही इजंट प्योर एनीमोर। जब माही ने ऑर्लैंडो की कही ये बात सुनी तो वो और ज्यादा इरिटेटेड लगने लगी और उसने मन ही मन में कहा, ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि बड़ा प्योर है, मैं तो गिन भी नहीं सकती कि इस आदमी की कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मगर माही ने किसी तरह खुद के शब्दों को कंट्रोल करते हुए ऑर्लैंडो की तरफ देखकर उसे कहा, सीनियर, पीपल हु लव ईच अदर डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। ऑर्लैंडो के ऊपर गम के बादल छा गए थे और वो रोते हुए एक कोने में बैठ गया और उसने कहा, हाउ कुड दिस बी, दिस कैन नॉट बी ट्रू, आई डोंट बिलीव दिस एंड आई विल डेफिनेटली नॉट गिव अप। फाइनली सारे क्रू मेंबर्स, यहां तक कि ऑर्लैंडो को भी मोहित के इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करने के लिए इन्वाइट किया गया और फिर वार्ड में सिर्फ विक्रम ओबेरॉय और माही ही रह गए थे। माही ने तुरंत विक्रम ओबेरॉय को समझाते हुए उससे कहा, विक्रम मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, ऑर्लैंडो की ट्रिगर दबाने से एक सेकंड पहले ही मैंने नोटिस कर लिया था कि वो गन असली थी और सही वक्त पर मैंने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली जिसकी वजह से मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, गोली सिर्फ मुझे छूकर गुजरी थी। मैं मानती हूँ कि दिखने में मेरा घाव काफी भयानक लग रहा है मगर ये सच में सिर्फ बाहरी चोट है और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। माही की कही बात सुनने के बाद भी विक्रम बिल्कुल चुप रहा और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम ओबेरॉय ने घबराते हुए मन ही मन में कहा, अगर माही सही वक्त पर अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं करती तो क्या होता, वो शॉट सीधे उसके दिल पर जाकर लगता, मैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी के बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। फिर माही ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए विक्रम से कहा, लगता है कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। माही ने मन ही मन में सोचा, मगर शक करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और इस वक्त मैं सोचने की हालत में बिल्कुल नहीं हूं। माही ने शुरू से लेकर अंत तक ऑर्लैंडो की परफॉर्मेंस को ध्यान से याद किया और उसने परेशान लगते हुए कहा, इस वक्त के दौरान ऑर्लैंडो के साथ मेरे इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मुझे लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसके अलावा शूटिंग के दौरान जो गन उसके हाथ में थी वो सिर्फ मेरे पास ही थी और उस दौरान वो किसी और के हाथ में नहीं लगी, ये बात वाकई में बहुत अजीब लग रही है। विक्रम ओबेरॉय ने माही को टोकते हुए उससे कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम अच्छे से आराम करो और ये काम मुझ पर छोड़ दो। माही ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। फिर विक्रम ओबेरॉय ने तुरंत माही को अपनी गोद में उठाया और उसने माही से कहा, अब मैं तुम्हें सीधे अपने साथ घर लेकर जा रहा हूं। हालांकि विक्रम के शब्द काफी कठोर थे मगर उसके मूवमेंट काफी जेंटल थे। जब माही ने विक्रम की बात सुनी तो उसने तुरंत विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, क्या, मगर ये मेरा आखिरी सीन था, उसका मैं क्या करूंगी। माही की कही ये बात सुनकर विक्रम ओबेरॉय ने परेशान लगते हुए मन ही मन में कहा, माही की जान जाते जाते बची मगर फिर भी वो अपने काम के बारे में ही सोच रही है। विक्रम ने माही की तरफ देखकर उसे कहा, वो लोग स्पेशल इफेक्ट्स के साथ मैनेज कर लेंगे। जब माही ने विक्रम ओबेरॉय के चेहरे पर गुस्से भरा एक्सप्रेशन देखा तो उसने कुछ और कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। उसने इसके बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, अंत तक मैं इस सीन का हिस्सा थी और उस शॉट के दौरान जहां बुलेट मेरे दिल पर लगती है और मेरा पहाड़ से नीचे गिरना स्पेशल इफेक्ट्स के साथ एनहेंस किया जा सकता है तो शायद मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। विक्रम ओबेरॉय ने और देर करने के बारे में सोचा तक नहीं, उसने तुरंत एक प्राइवेट प्लेन बुक किया और माही को अपने साथ घर ले गया। ऑर्लैंडो खिड़की पर लीन करते हुए खड़ा हुआ था और इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद माही से मिलने का इंतजार कर रहा था। उसे इस बात की खबर बिल्कुल नहीं थी कि माही शहर छोड़कर वापस अपने घर चली गई थी। प्लेन के अंदर विक्रम ओबेरॉय ने ध्यान से माही को चादर उड़ाते हुए कहा, थोड़ी देर सो जाओ। शूटिंग जल्दी खत्म करने के चक्कर में और घर वापस जाने के लिए माही ने खुद को बहुत ज्यादा थका दिया था, उसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी और अब जबकि विक्रम ओबेरॉय उसके पास था तो वो पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रही थी। माही ने विक्रम ओबेरॉय की बात मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और वो सो गई। विक्रम ओबेरॉय ने धीरे से माही के स्लीव्स खोले और उसने माही के शोल्डर पर लगे घाव की तरफ ध्यान से देखा जिसकी वजह से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन और ज्यादा काला पड़ गया। मुंबई शहर में वापस लौटने के बाद विक्रम ओबेरॉय के ऑर्डर्स की वजह से माही ने अपना सारा काम बंद कर लिया। ठीक होने की वजह से माही ने ओबीडियंटली विक्रम की सारी बात मानी और वो घर पर ही रही जब तक माही का घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया था और जब वो घाव ड्राई हो गया तब जाकर माही को घर से बाहर जाने की इजाजत मिली। रात को माही किसी रेस्टोरेंट में नेहा से मिलने चली गई क्योंकि नेहा माही को परेशान नहीं करना चाहती थी तो इसीलिए माही के पूरी तरह से ठीक होने तक वो उससे मिलने नहीं गई।
जब माही अपनी फिल्म की प्रिपरेशन के साथ बिजी थी तब नेहा इंडिया छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी और इसीलिए उन दोनों को मिले काफी वक्त हो गया था। नेहा ने परेशान लगते हुए माही की तरफ देखकर उसे पूछा, माही क्या अब तुम्हारा घाव ठीक है? माही ने जवाब देते हुए नेहा से कहा, मुझे तो बस थोड़ी सी खरोच आई थी और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। क्या तुम मुझे बताओगी कि अब तुम्हारा शरीर कैसा है? क्या तुम एनी की बताई दवाइयां कंटिन्यू कर रही हो या नहीं? नेहा ने प्राउडली जवाब देते हुए माही से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनी की दवाइयां वाकई में बहुत यूजफुल हैं और मैं उन्हें वक्त पर लेती रहती हूँ। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा कि मैं काफी अच्छी तरह से रिकवर कर रही हूँ। जब माही ने नेहा की कही ये बात सुनी तो उसे काफी तसल्ली मिली। इसके साथ ही साथ माही ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि नेहा कहीं ना कहीं खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। इसके बारे में सोचते हुए माही ने मन ही मन में कहा, भला कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं हो सकती है? यहां तक कि एनी ने खुद ये बात कही थी कि नेहा की सिचुएशन ऐसी नहीं है जो कम समय में ठीक की जा सकती थी। और रही बात फ्यूचर में नेहा के बच्चे होने की, तो इसके बारे में अभी भी कोई कुछ नहीं कह सकता। माही ने फिर टॉपिक चेंज करते हुए नेहा से पूछा, क्या तुम्हारे अब्रॉड जाने के सारे प्रोसीजर्स पूरे हो चुके हैं? नेहा ने जवाब देते हुए माही से कहा, हाँ ऑलमोस्ट। फिर उसने हिचकिचाते हुए माही से कहा, शुरू में मैंने सोचा कि मैं मम्मी को अपने साथ ले जाऊंगी, इस तरह से कम मैं उनका ख्याल तो रख पाऊंगी, मगर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो कहीं और एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। माही ने फिर नेहा को समझाते हुए उससे कहा, अच्छा तो ये बात है। इनफैक्ट जब एक इंसान की उम्र हो जाती है तो उन्हें अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना अच्छा नहीं लगता। चाची जी पहले से ही घर से दूर अकेली रहती है और अब शायद उन्हें ऐसे जीना कंफर्टेबल लगने लगा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उनके लिए एक फुल टाइम मेट को रख लेना चाहिए और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं चाची जी से मिलती रहूंगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। माही की कही ये बात सुनकर नेहा ने जवाब देते हुए उससे कहा, माही थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो। माही ने तुरंत नेहा को बीच में ही रोकते हुए उससे कहा, अरे तुम फिर से शुरू हो गई? भला मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुम्हारी बहन हूं? माही और नेहा कुछ देर तक बात करते रहे। फिर अचानक माही ने नोटिस किया कि नेहा की तबीयत बिगड़ रही थी और उसने घबराते हुए नेहा से पूछा, नेहा क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? नेहा ने अपने पेट पर धीरे से हाथ रखा और फिर उसने अपना सर हिलाकर धीमी आवाज में माही की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं माही, आज मेरे महीने का वो दिन शुरू हुआ है और तो और अबॉर्शन के बाद ये पहली बार हुआ है तो लगता है कि शायद इसका रिएक्शन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा सीवियर है। जब माही ने नेहा की कही ये बात सुनी तो उसका दिल दुखने लगा। वो तुरंत उठकर खड़ी हुई और उसने नेहा का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, तो फिर जल्दी से तुम घर जाकर रेस्ट करो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें आज मिलने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाती। जब नेहा ने देखा कि माही इस तरह बर्ताव कर रही थी जैसे कि आसमान टूट पड़ा था, तो उसने लाचार लगते हुए माही से कहा, माही ये तो सिर्फ नॉर्मल दर्द है, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। माही ने घबरा कर नेहा की तरफ देखते हुए उसे कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, जरा अपने चेहरे को देखो, तुम अभी से ही बहुत बीमार लग रही हो। फिर माही नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रेस्टोरेंट के बाहर ले गई। नेहा ने खुद इस बात की उम्मीद नहीं की कि इस बार उसका दर्द नॉर्मल से कहीं ज्यादा होगा। उसका शरीर इस दर्द को झेल नहीं पा रहा था और इसीलिए रेस्टोरेंट के बाहर जाते हुए माही को नेहा को संभालना पड़ा। जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो अनएक्सपेक्टेडली वो वहां पर दो लोगों से टकराए। वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि अजय नंदा और रिया रंधावा थे। जब माही ने उन दोनों को देखा तो माही के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से काला पड़ गया और उसने मन ही मन में कहा, आज ही हमारी इन दुश्मनों से मुलाकात होनी थी। माही और नेहा के सामने अजय नंदा भी माही और नेहा को देखकर कंफ्यूज लग रहा था, खास करके जब उसने नेहा की तरफ देखा जिससे वो डायरेक्टली टकराया था, तो वो हैरानी के मारे बहुत देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। नेहा ने धीरे से अजय नंदा की तरफ देखने के बाद उसके पास खड़ी रिया रंधावा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेहद हल्की सी घबराहट छा गई, जैसे कि उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं था। रेस्टोरेंट के अंदर जब माही नेहा से बात कर रही थी तो उसने जानबूझकर अजय नंदा की बात नहीं छेड़ी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इसकी वजह से नेहा अपने दुख भरे पास्ट को याद करके परेशान ना हो जाए। मगर ऐसे में माही ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही वो लोग अजय नंदा से टकरा जाएंगी। इसके बारे में सोचते ही माही ने मन ही मन में कहा, लोगों से टकराने में तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दुनिया में इतने सारे लोगों के बीच हमें इन दोनों से ही टकराना था। जाने भगवान हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं, मगर मैं नेहा को यहां रुकने नहीं दे सकती। इतना सोचते हुए माही ने सबसे पहले खुद को अजय नंदा की जान लेने से रोका और फिर उसने तुरंत नेहा को उन दोनों से दूर करते हुए उसे वहां से बिना कुछ कहे ले गई। उन दोनों के जाने के बाद अजय नंदा अभी भी अपनी उसी पोजीशन में हैरानी के मारे खड़ा था। अजय की यह हालत देखकर रिया रंधावा ने उसे बार बार पुकारा, अजय अजय क्या तुम ठीक हो? जब अजय नंदा ने रिया की आवाज सुनी तो वो अपने होश में लौटा और उसने रिया से पूछा, क्या हुआ? रिया रंधावा ने अपने पीछे कहीं दूर पहुंची माही और नेहा की तरफ देखकर अजय से पूछा, क्या तुम ठीक हो? फिर रिया ने अपने पीछे ध्यान से देखते हुए अजय से पूछा, अभी जो लड़की माही के पास खड़ी थी क्या वो वही औरत है जिसने तुम्हें बच्चे के नाम से धमकी दी? रिया की कही ये बात सुनकर अजय ने अचानक कहा, शट अप रिया। इस पॉइंट पर अजय के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी खड़ूस लग रहा था।
आज से पहले रिया ने अजय को उसके सामने इस तरह बर्ताव करते हुए कभी नहीं देखा था और इसीलिए वो काफी शॉक लगने लगी। जब अजय ने रिया रंधावा के चेहरे पर घबराया हुआ एक्सप्रेशन देखा तो उसने परेशान लगते हुए धीमी आवाज में रिया को एक्सप्लेन करते हुए कहा, रिया मैंने तुमसे कई बार कहा है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, प्लीज दोबारा कभी ऐसी बातें मत करना। रिया काफी नाराज लग रही थी मगर उसने अपनी बात को डिफेंड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ थोड़ा सा उदास लगते हुए अजय नंदा से कहा, ठीक है सॉरी मैं तुम्हारी बात समझ गई। कार के अंदर माही नेहा को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए ड्राइव कर रही थी और वो नेहा के रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। माही खुद को रोक नहीं पाई और उसने काफी नाराज लगते हुए कहा, कितने दुख की बात है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के सामने आ गए। माही ने फिर मन ही मन में कहा, एक तरफ मेरी प्यारी बहन दर्द में परेशान हो रही है और दूसरी तरफ वो बेशर्म इंसान लड़कियों के साथ ऐसे घूम रहा है जैसे कि उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बारे में सोचकर तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने तो सुना कि शुरू में वो नेहा को देखने के लिए पागल हो रहा था मगर कुछ देर के बाद मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। लगता है कि वो अपने सच्चे प्यार के पास वापस लौट गया। ब्लडी हेल, मेरा चाकू कहाँ है? उस दिन जब मेरे हाथ में चाकू था और अजय मेरे सामने था तो मुझे खुद को रोकना नहीं चाहिए था। माही ने नाराज लगते हुए नेहा की तरफ देखकर उसे कहा, अजय को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो खुशी खुशी और फ्रीली अपनी जिंदगी जी रहा है और उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा कि उसने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई। जब माही अपनी नाराजगी जता रही थी तो उसने अचानक नोटिस किया कि नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो सोने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। ये देखकर माही घबराने लगी और उसने तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। माही ने परेशान लगते हुए मन ही मन में कहा, लगता है कि नेहा की हालत खराब हो रही है, बेहतर होगा कि मैं चेकअप के लिए नेहा को सीधे हॉस्पिटल ले जाऊं। जैसे ही माही रास्ता बदलने जा रही थी तभी अचानक नेहा ने अपने कमजोर आवाज से माही से कहा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती माही, प्लीज मुझे घर ले चलो। नेहा की कही ये बात सुनकर माही परेशान लगने लगी। फिर नेहा ने माही को समझाते हुए उससे कहा, घर पर मेरी दवाइयां रखी हैं, दवाइयां लेने के बाद मैं आराम कर लूंगी और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि नेहा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी तो इसीलिए माही के पास और कोई चारा नहीं था। फाइनली माही नेहा को अपने साथ घर ले आई और उसने नेहा से कहा, ठीक है हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, तब तक तुम गाड़ी में थोड़ी देर के लिए आराम करो। रेस्टोरेंट के अंदर अजय नंदा के कानों में वायलिन की प्यारी धुन सुनाई दे रही थी। उसके सामने रिया रंधावा शनेल ब्रांड का लेटेस्ट व्हाइट गाउन पहने बैठी हुई थी। उस गाउन में रिया का फिगर परफेक्टली दिखाई दे रहा था और वो बेहद सेक्सी लग रही थी। वो ऊपर से नीचे तक काफी नोबल और प्राइडफुल लग रही थी। रिया अजय के सामने चुपचाप बैठी रही मगर कुछ ना बोलते हुए भी वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी और सबकी अटेंशन उस पर थी। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद कई सारे मर्द जलन के मारे अजय नंदा की तरफ देखने लगे मगर रिया रंधावा के सामने बैठा अजय नंदा आराम से अपनी चेयर पर लीन करते हुए बैठा हुआ था और उसके हाथ कैजुअली आर्म रेस्ट पर रखे हुए थे। उसकी आंखों में खालीपन और अजीब सा एहसास दिखाई दे रहा था। हालांकि वो रिया के सामने ही बैठा हुआ था मगर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी और दुनिया में खो गया था। रिया रंधावा ने यह बात नोटिस की कि नेहा को देखने के बाद अजय का बर्ताव काफी अजीब हो गया था। असल में बात तो ये थी कि जब से वो हादसा हुआ है तब से अजय काफी अलग बर्ताव करने लगा था। इसके बारे में सोचते हुए रिया ने मन ही मन में कहा, इसीलिए क्योंकि उस औरत के पेट में एक वक्त पर अजय का बच्चा था तो इसीलिए उसे पसंद ना करने के बाद भी अजय की हालत इस हद तक बदल गई। हालांकि रिया रंधावा अजय को उस तरह से पसंद नहीं करती थी मगर जब उसने रिया के प्रति अजय के एटीट्यूड को बदलते हुए देखा, खास करके जब अजय ने नेहा को डिफेंड करते हुए रिया से रूडली बात की, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। बचपन से लेकर आज तक अजय ने रिया को कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। जब भी वो रिया को देखता था तो उसकी नजरें और उसका पूरा अटेंशन सिर्फ रिया पर ही रहता था मगर अब वो सब कुछ बदल गया था। रिया रंधावा ने अपने दिल की इस बेचैनी को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की और फिर उसने किसी तरह बात शुरू करते हुए अजय से कहा, मैंने सुना कि अंकल और आंटी ओबेरॉय ने विक्रम को बिना बताए कोई सोशलाइट टी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, यहां तक कि उन्होंने बनी को लड़की पसंद करने के लिए कहा। यह बात तो मुझे बेहद अनफॉर्चुनेट लगी मगर इस बार ऐसा लगता है कि शायद ओबेरॉय परिवार की सिचुएशन काफी अलग है, तभी मैं सोचूं कि अंकल और आंटी ओबेरॉय इतने परेशान क्यों हैं। जब रिया ने इसके बारे में सोचा कि किस तरह लड़कियां ओबेरॉय खानदान का हिस्सा बनने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी तो उसे बहुत अजीब महसूस होने लगा और उसने मन ही मन में कहा, इस तरह से स्वयंवर जैसी सिचुएशन में हिस्सा लेकर वो औरतें तो यही प्रूव कर रही हैं कि उनका कोई क्लास ही नहीं है। अजय नंदा ने अपने हाथ में पकड़े ग्लास की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। इस वक्त जो औरत उसके सामने बैठी हुई थी वो वही औरत थी जिसे वो एक वक्त पर दिलोजान से चाहता था मगर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पागल हो रहा था। उसके मन में सिर्फ नेहा की तस्वीर छपी हुई थी। नेहा ही नेहा उसे हर जगह दिखाई दे रही थी और उसके मन में रिया का नामो निशान तक नहीं था। असल में जब अजय नंदा को पहली बार इस बात का पता चला कि नेहा ने अबॉर्शन करवा लिया था और जब उसने अपनी आंखों से उस सिक्योरिटी फुटेज को देखा तब वो नेहा को देखने के लिए काफी बेचैन हो रहा था मगर बाद में जब उसने होश में आकर इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे लगा
कि उसे नेहा को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। मगर जितना ज्यादा उसने खुद को रोकने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा नेहा को देखने की उसकी इच्छा बढ़ती रही। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा कि आज इस तरह वो बिना खुद को तैयार किए नेहा से कहीं टकरा जाएगा। अजय नंदा ने इस बात को अच्छी तरह से नोटिस किया कि अब नेहा कुछ ज्यादा ही पतली लग रही थी। पहले वो काफी स्वीट लगती थी, मगर अब वो काफी कमजोर लगने लगी थी। और जब नेहा ने अजय को अपने सामने देखा तो वो काफी काम लग रही थी। इसके बारे में सोचते हुए अजय नंदा ने मन ही मन में कहा, मैं ये चीज नोटिस कर पा रहा था कि नेहा ठीक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ लग रहा था, कहीं वो बीमार तो नहीं थी। उसके सामने बैठी रिया रंधावा उससे कुछ कह रही थी, मगर रिया के शब्द अजय के कानों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जब वो अपनी सोच में डूबा हुआ था तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपनी कुर्सी को पीछे की तरफ खिसकाया और उसने ब्राउन कलर का फाइल होल्डर निकालकर रिया रंधावा के सामने रखते हुए उससे कहा, जो तुम चाहती थी वो मैंने कर लिया है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम पूरा करना है तो मुझे अभी जाना होगा। अजय का ऐसा रिएक्शन देखकर रिया थोड़ी सी सॉफ्ट लगने लगी और वो उठकर खड़ी हो गई। वो अजय से कुछ बोलना चाहती थी, मगर तब तक अजय वहां से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ घर पर माही ने नेहा को पेन किलर टैबलेट्स दे दिए और फिर उसने एनी के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन की मदद से नेहा के लिए एक मेडिसिन का डोज बनाया। मगर इसके बाद भी माही काफी परेशान लग रही थी और उसने नेहा से पूछा, नेहा क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है? नेहा ने जवाब देते हुए माही से कहा, ऐसी प्रॉब्लम मुझे शुरू से ही होती थी, मैं ऐसे मैनेज करना अच्छी तरह से जानती हूँ, अच्छे से सोने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। माही ने फिर नेहा को बेड पर लेटाते हुए उससे कहा, ठीक है तो मैं यहां तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब नेहा गहरी नींद में सो गई तो माही बालकनी में गई और उसने एनी को कॉल लगाया। फोन पर माही ने धीमी आवाज में कहा, हाय एनी। इससे पहले कि माही एनी से कुछ और कह पाती, एनी ने फोन के दूसरी तरफ से घबराते हुए माही से कहा, माही ब्रो मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगी है, अब तुम ठीक हो? मैं तुमसे मिलने आना चाहती थी मगर यहां मामला बहुत बिगड़ रहा है। माही ने तुरंत एनी से पूछा, वहां क्या हो रहा है? क्योंकि माही खुद को पूरी तरह से ठीक करने में फोकस थी तो इसलिए उसे दुनिया में क्या हो रहा था इसकी ज्यादा खबर नहीं थी। शहर में या फिर उसके आसपास क्या हो रहा था उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। फोन पर एनी से बात करते हुए माही ने उससे पूछा, वहां क्या हो रहा है? एनी ने हिचकिचाते हुए जवाब में माही से कहा, माही ब्रो क्या तुम्हें नहीं पता, वाईएस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एनी की कही ये बात सुनकर माही के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया और उसने एनी से पूछा, क्या ये सब कब हुआ? एनी ने जवाब देते हुए माही से कहा, 3 दिन पहले। माही ने फिर परेशान लगते हुए एनी से पूछा, उसे अरेस्ट किस बात के लिए किया है? एनी ने जवाब देते हुए माही से कहा, उन्होंने ये कहा कि उन्हें शक है कि वाईएस ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और इसलिए पुलिस वाले उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए थे, मगर अब तक उन्होंने वाईएस को छोड़ा नहीं है। माही ब्रो मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी पोजीशन काफी ऑकवर्ड है, मगर क्या तुम प्लीज मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? प्लीज एक बार जाकर उसे मिल लो, वो इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता, कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है, हम सब बहुत परेशान है। एनी की पूरी बात सुनने के बाद माही ने मन ही मन में कहा, ड्रग्स? हालांकि ड्रग्स बहुत जल्दी अमीर होने का सबसे अच्छा जरिया है और ऑलमोस्ट हर अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स के साथ डील करते हैं, मगर यश तो सिर्फ हथियारों का डीलर है, उसे ड्रग्स लेने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से भी सख्त मना करता है कि कोई ड्रग्स में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए। और अब जबकि यश और ओबेरॉय परिवार के बीच बात इतनी सीरियस हो चुकी है तो मुझे लगता है कि उसके अरेस्ट के पीछे ओबेरॉय परिवार के लोगों का ही हाथ होगा। एनी ने बिल्कुल सही कहा, मेरी पोजीशन वाकई में बहुत ऑकवर्ड हो गई है। जब मुझे यश और विक्रम के रिश्ते के बारे में पता चला तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उन दोनों के बीच किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाऊंगी, मगर अब जबकि एनी मुझसे मदद मांग रही है, वही एनी जिसने मुझे इतनी बार मुश्किलों से बाहर निकाला है, तो मैं उससे मना कैसे कर सकती हूँ? माही ने फोन पर एनी से कहा, एनी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मास्टर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, वो किसी भी हाल में यश को अकेले नहीं छोड़ेंगे। और रही बात मेरी, तो मेरा इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल है और अगर वो मुझसे मिलना चाहे तो तुम्हारे कहने पर मैं सिर्फ एक बार उससे मिलने जा सकती हूँ। माही ने मन ही मन में कहा, प्रॉब्लम तो ये है कि वो आदमी वाकई में बहुत डेलिकेट है, अगर उसने कहा है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता तो शायद वो मुझसे भी मिलने के लिए मना कर देगा। फोन के दूसरी तरफ से एनी ने माही की बात सुनकर कहा, थैंक यू माही ब्रो, मुझे पूरा यकीन है कि वाईएस तुमसे जरूर मिलेगा, मैं अभी टीम से बात करके सारी अरेंजमेंट्स करवा देती हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुमसे पूछना भूली गई, तुमने मुझे फोन क्यों किया था? माही ने जवाब देते हुए एनी से कहा, कुछ खास नहीं, दरअसल मुझे नेहा के बारे में बात करनी थी। अबॉर्शन के बाद आज उसे उसका पहला पीरियड आया है और उसका रिएक्शन काफी भयानक है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मगर वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है, मुझे उसके लिए थोड़ा डर लग रहा है। माही की कही बात सुनकर एनी ने जवाब देते हुए उससे कहा, ये नॉर्मल है, मैंने इस बात की उम्मीद की थी कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, नेहा को यह दर्द झेलना ही पड़ेगा। इस सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करने के लिए मैंने नेहा को एक प्रेस्क्रिप्शन लिखकर दिया था, तुम वो दवाई बनाकर उसे पिला देना। माही ने हामी भरते हुए एनी से कहा, हाँ वो दवाई तो मैंने उसे पिला दी है। फिर एनी ने माही से कहा, नेहा ने रिसेंटली एक फुल बॉडी चेकअप करवाया था और वो काफी अच्छी तरह से रिकवर कर रही है, मेडिसिन पिलाने के बाद उसे अच्छी तरह से सुला देना, सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
एनी की बात सुनने के बाद माही ने उससे कहा, ठीक है एनी, मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। एनी से बात करने के बाद माही काफी बेहतर महसूस करने लगी। जब माही ने देखा कि अपनी दवाई पीने के बाद नेहा अच्छी तरह से सो गई, तो वो थोड़ी देर अपने फोन पर न्यूज देखने लगी। वो नेहा के साथ ही थी, मगर तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। वो कॉल अनुषा का था। माही ने फोन उठाकर कहा, हेलो अनुषा। फोन पर दूसरी तरफ से अनुषा ने माही से पूछा, माही क्या अब तुम बेहतर फील कर रही हो? माही ने जवाब देते हुए कहा, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है, अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम इस वक्त ऑफिस आ सकती हो? मेरे पास एक खबर है डायरेक्टर रोहन धवन के फिल्म के बारे में। अनुषा ने डायरेक्टली फोन पर माही को रिजल्ट्स नहीं बताए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे माही के साथ कोई जरूरी बात करनी थी। हालांकि माही इस फिल्म को गुड बाय बोलने के लिए तैयार थी, मगर जैसे ही उसने अनुषा को इस मूवी का जिक्र करते हुए सुना तो वो तुरंत अलर्ट हो गई और उसने पूछा, क्या खबर है? हालांकि माही ने खुद को तैयार कर लिया था, मगर उसके रिफ्लेक्सेस काफी ईमानदार थे। माही को रोहन धवन की फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी और इसीलिए वो इस फिल्म में एक्टिंग करना चाहती थी। इसके साथ ही साथ उसे सोनिया के साथ काम करने का मौका भी नहीं गंवाना था। जब माही ने देखा कि नेहा गहरी नींद में सो गई थी, तो उसने फोन पर अनुषा से कहा, ठीक है अनुषा, मैं अभी वहां आती हूं। जब माही ने देखा कि नेहा अब बिल्कुल ठीक थी, तो उसने नेहा के लिए एक नोट लिखा और फिर वहां से चली गई। अपार्टमेंट के पास किसी बड़े से पेड़ के पीछे अजय नंदा ने अपने लिए एक सिगरेट जलाई। वो उस पेड़ के पीछे छुप गया था और नेहा के बिल्डिंग की खिड़की की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा अंदर से खुला। ये देखकर अजय घबरा गया और उसने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई और फिर पेड़ के पीछे छुप गया। उसने अपनी सांसों को भी सप्रेस करने की कोशिश की। माही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जल्दी में थी और वो अपने सराउंडिंग को लेकर बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी के अंदर बैठी और वहां से चली गई। जब अजय ने देखा कि माही वहां से जा चुकी थी, तब जाकर वो पेड़ के पीछे से बाहर निकला। हालांकि इस बात को सिर्फ कुछ देर ही हुई थी, मगर डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो गया था। माही के वहां से जाने के बाद अजय वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। उसने नोटिस किया कि अपार्टमेंट के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था और वहां से बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसके बारे में सोचते हुए अजय नंदा ने मन ही मन में कहा, जब मैं उसे मिला था तब वो थोड़ी कमजोर सी लग रही थी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? मगर क्योंकि माही यहां से चली गई तो मुझे लगता है कि अब नेहा ठीक होगी, है ना? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, चाहे पैसों से हो या फिर किसी और तरह से। जब तक मैं नेहा के साथ क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मैं इसी तरह बेचैन होता रहूंगा। मैं सच में कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं एक ऐसा इंसान बन चुका हूं जिसे मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूं। मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के ऑफिस में जैसे ही माही अनुषा के कैबिन के अंदर गई, उसने डायरेक्टली अनुषा से पूछा, अनुषा डायरेक्टर रोहन धवन ने क्या कहा? क्या रोल फाइनलाइज हो चुका है? माही अपना सवाल पूछते वक्त हांफ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घर से दौड़कर कंपनी तक आई थी। अनुषा ने माही को पानी सर्व करते हुए उससे कहा, पहले बैठ जाओ। जब माही थोड़ी ठीक लगने लगी तो अनुषा ने सही शब्द चुनते हुए माही से कहा, रिजल्ट तो कई दिन पहले ही बता दिए गए थे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम इस हालत में और परेशान हो जाओगी। अनुषा की यह बात सुनकर माही घबराने लगी और उसने अनुषा से पूछा, तो फिर क्या रिजल्ट निकला? अनुषा ने जवाब देते हुए माही से कहा, तुमने ऑडिशन पास नहीं किया और उन लोगों ने जोया को अपनी फिल्म में लीड के लिए चुना। अनुषा की कही ये बात सुनकर माही के चेहरे का एक्सप्रेशन फीका पड़ गया और उसने मन ही मन में कहा, मैंने तो इसी बात की उम्मीद की थी, मैं सच में ऑडिशन पास नहीं कर पाई। जोया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे आइकॉनिक आर्टिस्ट में से एक है। उसकी एक्टिंग की काबिलियत वाकई में बहुत अच्छी है। उसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल लीड अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इस साल वो 30 की हो चुकी थी। वो शादीशुदा थी और उसके दो ट्विन बच्चे भी हैं। ट्रेजिक सीक्वेंस एक्टिंग करने में वो बेहद टैलेंटेड भी है और इसीलिए उसका इस फिल्म में चुना जाना हर एस्पेक्ट से सही है। मुझे लगता है कि शायद अनुषा मुझसे किसी और स्क्रिप्ट के बारे में बात करना चाहती है। जैसे ही माही इसके बारे में सोच रही थी, तभी अचानक अनुषा ने माही को एक सरप्राइज देते हुए उससे कहा, जहां तक मुझे पता था उन लोगों ने इस फिल्म के लीड के लिए जोया को चुना, मगर फिर उसे कई सारी सीन को ट्राई आउट करने के लिए बुलाया गया था। डायरेक्टर रोहन धवन उसकी एक्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे और अब हमें ये खबर मिली है कि वो सेकंड ऑडिशंस करने जा रहे हैं। अनुषा की कही ये बात सुनकर माही काफी हैरान लगने लगी और उसने पूछा, क्या सेकंड ऑडिशन? इसके बारे में सोचते हुए माही का दिल जोर से धड़कने लगा। अनुषा ने हामी भरते हुए माही से कहा, हाँ मुझे इसके बारे में अपने इंटरनल कनेक्शन के थ्रू पता चला। मेरे सोर्सेस काफी रिलायबल हैं। अगर सब ठीक रहा तो वो लोग कुछ दिनों में सेकंड ऑडिशन की तैयारी कर लेंगे। माही ने फिर अनुषा से पूछा, सेकंड ऑडिशन के लिए किन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? अनुषा ने माही के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए उससे कहा, उन्होंने 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है और तुम उनमें से एक हो। अनुषा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए माही से कहा, तुम चाहो तो इसके बारे में अच्छे से सोच लो और फिर मुझे बताना कि तुम इस दूसरे ऑडिशन के लिए जाना चाहती हो या नहीं। चाहे तुम्हारा जो भी फैसला हो, मैं तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करूंगी।
अनुषा ने इस बात को नोटिस किया कि इस बार माही थोड़ी अलग तरह से बिहेव कर रही थी। इसके बारे में सोचते हुए अनुषा ने मन ही मन में कहा, हालांकि मैं चाहती हूँ कि माही को ये रोल मिल जाए, मगर मैं माही के डिसीजन को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करूंगी। अगर माही का मन नहीं है तो अगर उसने किसी तरह सेकंड ऑडिशन क्लियर कर भी लिए तब भी इस फिल्म को वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पाएगी। जैसे ही माही जवाब देने के लिए हिचकिचा रही थी तभी अचानक अनुषा का फोन बजने लगा। अनुषा ने फोन पर बात करते हुए कहा, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, थैंक यू वेरी मच, मैं इसके बारे में माही के साथ डिस्कस करूंगी और आपको जल्द ही जवाब दे दूंगी। फोन पर बात करने के बाद अनुषा ने माही की तरफ देखकर उसे कहा, क्रू की तरफ से फोन आया था, सेकंड ऑडिशन कल सुबह 8 बजे के लिए सेट हुआ है, उन लोगों ने तुम्हें बुलाया है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। इतना कहने के बाद अनुषा ने और कुछ नहीं कहा और उसने माही को सोचने का थोड़ा वक्त दिया। माही कुछ देर तक सोफे पर बैठकर इसके बारे में सोचती रही और फिर कुछ देर बाद उसने अनुषा की तरफ देखकर कहा, अनुषा मैं कल जरूर जाऊंगी, प्लीज तुम मेरी तरफ से क्रू वालों को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है मैं बता दूंगी। मगर फिर अनुषा ने मन ही मन में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे माही के फैसले से खुश होना चाहिए या फिर परेशान होना चाहिए कि वो खुद को ज्यादा पुश तो नहीं कर रही, मगर क्योंकि मैं माही को अच्छी तरह से जानती हूँ तो मुझे पता है कि माही ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेगी। क्योंकि अनुषा अभी भी माही के लिए परेशान थी तो उसने माही से कहा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माही ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू अनुषा। अनुषा से बात करने के बाद माही अपने घर पीचवुड विला के लिए निकली। रास्ते में उसका फोन बजने लगा और वो कॉल एनी का था। जैसे ही माही ने फोन उठाया एनी ने उससे पूछा, हेलो माही ब्रो, क्या कल सुबह तुम वहां जा सकती हो? एनी की ये बात सुनकर माही थोड़ी सी कंफ्यूज लगने लगी और फिर उसे अचानक याद आया कि उसने वादा किया था कि वो यश से मिलने जाएगी। फिर उसने एनी से पूछा, कल कितने बजे? कल सुबह 9 बजे, एनी ने जवाब देते हुए माही से कहा। माही ने परेशान लगते हुए फोन पर एनी से कहा, कल सुबह 8 बजे मेरा ऑडिशन है, अगर 9 बजे का टाइम है तो शायद मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मगर मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है मैं जाकर इसके बारे में टीम को बता देती हूँ, थैंक यू माही ब्रो। घर जाने के बाद माही ने और कुछ नहीं किया, ना उसने रेफरेंस के लिए कोई वीडियो देखे और ना ही स्क्रिप्ट पढ़ी, बल्कि वो डिनर खाकर सीधे सोने चली गई। उस रात उसे कोई सपना भी नहीं आया। अगले दिन माही सुबह 6 बजे उठी, उसने अपना ब्रेकफास्ट खाया और तैयार हो गई। उसके बाद माही अनुषा से मिली और आधे घंटे पहले ऑडिशन के वेन्यू पर पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो माही को इस बात का एहसास हुआ कि वहां मौजूद बाकी 4 आर्टिस्ट ने भी उसी की तरह सोचा और अपनी पोजीशन को नजरअंदाज करते हुए सबके सब आधे घंटे पहले वहां पहुंच चुके थे। वहां मौजूद सब लोग काफी नर्वस लग रहे थे, खासकर की जोया जो बहुत परेशान लग रही थी। उसका रोल फाइनलाइज हो चुका था मगर अब इस रोल के लिए फिर से ऑडिशन लिया जा रहा था। इस बात से जोया को बहुत इंसल्टेड महसूस हो रहा था। अगर रोहन धवन की जगह कोई और डायरेक्टर होता तो अब तक जोया बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था जब डायरेक्टर रोहन धवन किसी रोल के सिलेक्शन के लिए इतना पर्टिकुलर बिहेव कर रहा था। एक बार तो डायरेक्टर रोहन धवन ने किसी आर्टिस्ट को फाइनलाइज कर लिया मगर आधी फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो आर्टिस्ट उनके स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उस आर्टिस्ट को अपनी फिल्म से निकाल दिया। रोहन धवन को किसी और बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती। जोया ने अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान से नोटिस किया। उसने देखा कि उनमें से कोई भी उसके लेवल पर नहीं था। अगर कोई भी जोया से बेहतर होता तो वो पहले ऑडिशन में हार नहीं जाता। जोया इस सेकंड ऑडिशन के डिसीजन से बहुत नाराज थी क्योंकि उसे लगा कि इस तरह से उसका टाइम वेस्ट हो रहा था, मगर ऑफ कोर्स ये उसका लास्ट चांस भी था। अगर डायरेक्टर रोहन धवन इस बार भी उसे सेटिस्फाइड नहीं होते तो उसे तीसरा मौका कभी नहीं मिलता। वहां मौजूद 5 आर्टिस्ट ने अपना टोकन नंबर उठाया, जोया को 4th नंबर मिला और माही को उसके बाद वाला आखिरी नंबर मिला। जब माही ने देखा कि उसे आखिरी नंबर मिला था तो वो परेशान लगने लगी। उसने अपनी वॉच की तरफ देखा और फिर मन ही मन ने कहा, पुलिस स्टेशन वेटिंग टाइम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे, अगर मैं वहां 9 बजे तक नहीं पहुंची तो वो लोग मुझे यश से मिलने नहीं देंगे। एग्जैक्ट 8 बजे रोहन धवन, सोनिया और बाकी सारे जजेस ऑडिशन वेन्यू पर आ पहुंचे। ऑडिशन रूम के अंदर जाने के बाद प्रोड्यूसर ने अपनी जगह पर बैठकर रोहन धवन से कहा, डायरेक्टर रोहन, क्या सेकंड ऑडिशन लेना वाकई में जरूरी है? फर्स्ट राउंड के रिजल्ट बिल्कुल साफ है, बाहर बैठे बाकी 4 आर्टिस्ट ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जोया ही इस रोल को बखूबी निभा पाएगी। स्क्रिप्ट राइटर ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, जोया की एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी थी। रोहन धवन ने गुस्से में उन दोनों की तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छी थी, तुम लोगों को उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, क्या तुम लोग मेरे साथ पहली बार काम कर रहे हो? जब स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर ने रोहन धवन की ये बात सुनी तो वो काफी एंबैरस लगने लगे और उन्होंने और कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं की, मगर उन्हें वाकई में इस बात पर यकीन था कि जोया की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो जोया की एक्टिंग से खुश नहीं थे तो आखिर डायरेक्टर रोहन क्या चाहते थे। प्रोड्यूसर और यहां तक कि स्क्रिप्ट राइटर भी जोया की परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड थे।
जब सोनिया ने अपने सामने ये सब होते हुए देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। उसने सबके बीच कुछ भी कॉमेंट करना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ अकेली सोनिया ही जानती थी कि रोहन धवन ने यह सेकंड ऑडिशन सिर्फ एक आर्टिस्ट के लिए बुलवाया था। वो देखना चाहता था कि उस आर्टिस्ट की एक्टिंग सिर्फ फर्स्ट ऑडिशन तक ही सीमित नहीं थी। जो सोनिया ने नोटिस किया था वो रोहन धवन ने भी अच्छी तरह से नोटिस किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोहन धवन ने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा कि फर्स्ट ऑडिशन में माही की परफॉर्मेंस उसकी लेवल बेस्ट नहीं थी। रोहन धवन स्ट्रिक्टली एक इम्पार्शियल और इनकरप्टिबल इंसान था। हालांकि एक्टिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, मगर सारे इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करके एक्टिंग स्किल्स डिस्प्ले करना भी आर्टिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। इसके बिना एक्टिंग स्किल्स होना बिल्कुल यूजलेस था। और जब डायरेक्टर रोहन धवन ने देखा कि माही किस दौर से गुजर रही थी तो इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। मगर जब उसने देखा कि जोया की परफॉर्मेंस उसके लेवल तक पहुंच नहीं पा रही थी तो सोनिया ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रोहन धवन से ये कहा कि माही अपने पहले ऑडिशन में अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाई। इस पॉइंट पर सोनिया बेचैन लगते हुए दरवाजे की तरफ देखती रही। उसने मन ही मन में कहा, डायरेक्टर रोहन माही को एक और मौका देने जा रहे हैं, मगर ये माही का एक आखिरी मौका भी था। अगर वो इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई तो ये सब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं पर्सनली रोहन को माही का नाम सजेस्ट भी करूं तब भी वो मेरी बात नहीं सुनेगा। ऑडिशन रूम के बाहर किसी स्टाफ मेंबर ने आज के दिन का एजेंडा माही और बाकी आर्टिस्ट को एक्सप्लेन किया। ये कोई रैंडम प्लॉट नहीं था, बल्कि आज के लिए सबको एक ही फिक्स्ड सीन इनेक्ट करना था, और वो सीन नंबर 37 था, बारिश भरी रात के बीच अपने बच्चे को खोने का गम। सारे पांच आर्टिस्ट्स को इस एक सीन के लिए ही ऑडिशन देना था। स्टाफ मेंबर ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अरेंज किया था, और फिर एक एक करके हर एक आर्टिस्ट ऑडिशन रूम के अंदर अपना ऑडिशन देने गया। ऑडिशन प्रोसेस माही की उम्मीद से भी ज्यादा तेज निकला। पहली, दूसरी और तीसरी आर्टिस्ट 10 मिनट के लिए भी अंदर नहीं टिक पाए। एवरेज में उनमें से हर एक आर्टिस्ट सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही बाहर निकल आई थी। इनफैक्ट उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर सब समझ गए कि वो अपना ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाई। फाइनली अब बारी जोया की थी और उसे अंदर बुलाया गया था। जोया ऑडिशन रूम के अंदर बहुत देर तक थी। माही ने अपने हाथ में पहनी रिस्ट वॉच की तरफ टाइम को देखा। उसने जोया के टाइम को पर्टिकुलरली नोट किया था और उसने नोटिस किया कि जोया पूरे 18 मिनट तक अंदर रही। माही के पास बैठी अनुषा ने माही के हाथ को सहलाते हुए ये इंडिकेट किया कि उसे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं थी। फाइनली 2 मिनट के बाद जोया ऑडिशन रूम के बाहर निकली। जोया ने ऑडिशन रूम का दरवाजा खोला और वो गहरी सांस लेते हुए बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कि उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। जोया ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो वहां मौजूद बाकी आर्टिस्ट में से बेहतर परफॉर्मर थी, और इस बार उसने खुद पर्सनली अपने दूसरे ऑडिशन में डायरेक्टर रोहन धवन को ये बात प्रूव करने की कोशिश की। इनफैक्ट वहां मौजूद हर एक इंसान ने इस बात की उम्मीद की थी कि जोया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। फाइनली स्टाफ मेंबर ने अनाउंस करते हुए कहा, लास्ट वन माही सिन्हा। जोया ने माही की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसे कहा, मैं चलती हूं, गुड लक टू यू। इतना कहने के बाद जोया वहां से चली गई। उसका ऐसा बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जीत अनाउंस हो चुकी थी, और अगर उसके मन में थोड़ी सी भी घबराहट होती तो वो रिजल्ट्स का इंतजार करती, ना कि ऑडिशन के बाद वहां से निकल जाती। उसने माही के ऑडिशन के पूरा होने तक का इंतजार भी नहीं किया, मगर माही को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उसने जोया की कही बात पर ध्यान भी नहीं दिया। जब स्टाफ मेंबर ने माही को ऑडिशन के लिए बुलाया तो वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई और ऑडिशन रूम के अंदर चली गई। ऑडिशन रूम के अंदर प्रोड्यूसर ने रोहन धवन से कहा, डायरेक्टर रोहन, क्या अब आपको जोया की ऑडिशन देखकर खुशी हुई? मैं तो शुरू से ही आपसे ये कह रहा था कि जोया के इस रोल की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। आफ्टर ऑल वो खुद एक माँ है, उसकी एज भी इस रोल के लिए बिल्कुल सही है, उसका एक्सपीरियंस इस रोल के लिए काफी पर्सनल है। ऐसा लग रहा था कि वो मान चुकी थी कि उसका बच्चा उसे छोड़कर चला गया था, और मुझे नहीं लगता कि कोई और इस परफॉर्मेंस को बीट कर पाएगा। जब माही ऑडिशन देने कमरे के अंदर गई तो उसने कुछ जजेस को डिस्कस करते हुए सुना। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जोया की परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड थे, मगर डायरेक्टर रोहन धवन, जो कि ठीक सारे जजेस के बीच में बैठा हुआ था, उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। जब रोहन धवन ने देखा कि माही ऑडिशन देने अंदर आई थी तो उसने माही की तरफ देखकर कहा, शुरू करो। माही ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। बैकग्राउंड में एक स्टाफ मेंबर स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बोलने लगा। उसकी सांसें फूल रही थीं। जैसे ही माही को स्क्रिप्ट के पढ़ने की आवाज सुनाई दी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ब्लैंक पड़ गया। माही के चेहरे पर किसी तरह का इमोशन या फिर एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पलों के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अचानक किसी इंसान की कोई बात याद आ गई। वो धीरे से एक एक कदम आगे बढ़ाकर प्रॉप से बनाए बच्चे के पास गई, फिर उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उसकी आंखें बेजान लग रही थी और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। वो अपने हाथ में उस बच्चे की तरफ इस तरह देख रही थी जैसे कि वो बच्चा माही के आत्मा का एक हिस्सा था। काफी देर तक माही बिना किसी एक्सप्रेशन के यूं ही उसे देखती रही। वो चुपचाप बिना हिले उसी पोजीशन में बैठी रही जैसे कि वो कोई स्टैचू थी। माही ने वाकई में कुछ भी नहीं किया था, यहां तक कि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था,
मगर फिर अगले ही पल पूरे ऑडिशन रूम का माहौल अचानक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच गया। शुरू में वहां मौजूद जो जजेस ये सोच रहे थे कि माही ऑडिशन को पास नहीं कर पाएगी, वो अचानक अपनी कमर सीधी करके बैठ गए। वो बेहद टेंस लग रहे थे और वो अपनी सांसें थामे अपने सामने बैठी उस मोशनलेस लड़की को देखते ही जा रहे थे। डायरेक्टर रोहन धवन के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं हिला, मगर जो पेन उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी उसे रोहन धवन ने फर्मली टाइटन कर लिया और उसके इस बर्ताव की वजह से वो थोड़ा सा बेचैन लगने लगा। वहां का माहौल कुछ इस तरह बन चुका था जैसे कि तूफान के आने से पहले का सन्नाटा छाया हुआ था। फाइनली जब वहां का माहौल इस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच चुका था, तभी अचानक माही ने अपना सर झुकाया और फिर उसके कंधे धीरे से कांपने लगे। जिन हाथों से उसने बच्चे को पकड़ा हुआ था वो धीरे धीरे टाइटन होते गए। अचानक माही ने उस बच्चे को कसकर अपने गले से लगा लिया और फिर उसकी दर्दनाक चीख निकली। उसकी आवाज ने सन्नाटे से भरे ऑडिशन रूम को हिलाकर रख दिया। जजेस ने उसकी आवाज में दर्द, लाचारी और टूट कर बिखरने वाला एहसास महसूस किया। माही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने तहस नहस हो रही थी। उसका बच्चा जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला था, जिसके ऊपर वो रिलाई कर रही थी और जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो जो कुछ वक्त पहले जिंदा था वही बच्चा अब बेजान उसके सामने पड़ा हुआ था। माही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया में वो बच्चा उसका इकलौता परिवार था और अब जबकि वो बच्चा मर चुका था तो उसकी जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं था। वहां बैठे जजेस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कितना समय बीत चुका था, मगर अब उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि तूफान थम रहा था। माही के इमोशंस फाइनली थोड़े से काम डाउन होने लगे थे। वो अभी भी उस बच्चे को अपने सीने से लगाए उसी पोजीशन में बैठी रही, मगर सब लोग ये बात नहीं जानते थे कि उसके अंदर की फीलिंग्स अभी पहले जैसी नहीं रही। अब माही पहले जैसी नहीं बन सकती थी। उसने अपने बच्चे को खोने के गम में अपनी पूरी जान लगा दी और अब उसका शरीर पूरी तरह से खोखला हो चुका था। अंत में फाइनली सोनिया ने सबकी अटेंशन को होश में लाने के लिए डायरेक्टर को पुकारा। डायरेक्टर रोहन। सोनिया की आवाज से डायरेक्टर रोहन धवन और बाकी जजिंग पैनल अपने होश में लौटे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी सपने से बाहर निकल आए थे। माही का सीन खत्म हो चुका था। वहां बैठे प्रोड्यूसर की आंखें लाल पड़ गई थी और वो अपने सामने बैठी माही की तरफ देखता रहा। कुछ देर के बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इस लड़की की परफॉर्मेंस वाकई में रिमार्केबल है। वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद स्क्रिप्ट राइटर माही की परफॉर्मेंस देखते हुए शुरू से अंत तक रोती रही और फिर उसने तुरंत एक टिश्यू पेपर की मदद से अपने आंसू पोंछ लिए। अब जाकर उसे फाइनली समझ में आया कि आखिर रोहन धवन दूसरे ऑडिशन की जिद क्यों कर रहा था। शुरुआत में स्क्रिप्ट राइटर को भी यही लगा कि जोया की परफॉर्मेंस एक्सेलेंस के टॉप पर पहुंच चुकी थी, मगर जब उसने माही की परफॉर्मेंस देखी तो फाइनली उसे समझ आया कि असली एक्टिंग क्या होती है। पिछली बार अपना ऑडिशन पूरा करने के बाद माही ने तुरंत खुद को उस सीन से बाहर निकाल दिया और इस बार हालांकि उसने अपनी एक्टिंग पूरी कर ली थी, मगर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप जमीन पर ही बैठी रही और प्रॉप से बने बच्चे को अपने सीने से लगाती रही। ये देखकर सोनिया उठकर खड़ी हुई और उसने माही को खड़ा करते हुए उससे कहा, जल्दी उठ जाओ, फर्श बहुत ठंडा है। माही का एक्सप्रेशन अभी भी ब्लैंक लग रहा था और वो रोबोटिकली सोनिया की तरफ देखते हुए उठकर खड़ी हो गई। माही का ऐसा बर्ताव देखकर सोनिया का दिल दुखने लगा और उसने मन ही मन में कहा, इस लड़की ने तो वाकई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं मानती हूँ कि माही खुद को इस सीन में डुबो देना चाहती थी, मगर माही को अपनी मेंटल स्टेटस को स्टेबल रखने के लिए कुछ तो कसर छोड़ देनी चाहिए थी। मैं भी एक एक्टर हूँ और जब एक एक्टर खुद को किसी कैरेक्टर में पूरी तरह से डुबो देता है तो उसके बाद जो होता है उसके बारे में मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। सोनिया ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सारे अच्छे एक्टर्स ऐसे दौर से गुजर चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग में खुद को पूरी तरह से इमर्स कर दिया था, तो इसलिए वो शूटिंग पूरी होने के बहुत देर के बाद भी खुद को कैरेक्टर से बाहर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन भी हो जाया करता था। सोनिया ने माही को कैरेक्टर से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए उससे कहा, माही होश में आओ, तुम बिल्कुल ठीक हो, कंग्रेचुलेशन, टीम में तुम्हारा स्वागत है। सोनिया की कही ये बात सुनकर माही फाइनली होश में आई और उसने मन ही मन में कहा, इसका क्या मतलब था। इस पॉइंट पर रोहन धवन, जिसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ करता था, वो अब एडमिरेशन के साथ माही की तरफ देख रहा था। उसने अपने बोलने के तरीके में नरमी दिखाते हुए माही से कहा, माही आज तुमने सच में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया, तुम इस ऑडिशन में पास हो गई हो, क्या तुम्हारी मैनेजर यहां तुम्हारे साथ है? अगर पॉसिबल हो तो हम आज ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। माही ने रिफ्लेक्सिवली जवाब देते हुए रोहन धवन से कहा, जी वो यहीं पर है, वो बाहर बैठी है। फाइनली माही पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और उसने मन ही मन में कहा, क्या मैंने सच में ऑडिशन पास कर लिया है, मुझे ये पार्ट मिल चुका है। माही ने मुस्कुराकर अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हुए सबसे कहा, थैंक यू डायरेक्टर रोहन धवन, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू टू ऑल द जजेस। इतना कहने के बाद माही अनुषा को खुशखबरी देने के लिए बाहर निकली